हम सब लोग स्वागत करते हैं और हरे कृष्णा महामंत्र द्वारा लोग चैंटिंग करते हैं दोनों हाथ उठा के, हरे कृष्णा 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 Hare Krishna Maharaj, we are very fortunate that you have kindly come and to give your associate. So, Maharaj, I'll just take 1 minute so, with your permission. So, His Holiness Bhakti Vigna Vinasha Maharaj, Srila Prabhupada Ji ke bahut dear disciple hain. Aur 1971 mein Maharaj ne Hari Naam Diksha liya Srila Prabhupada Ji se aur uske baad Brahman Diksha liya. महाराज ने 1994 में फिर संन्यास धारण किया मायापुर में और महाराज इस संस्था में जो बहुत सिंप्लिसिटी एक बहुत ही आदर्श वैष्णव के रूप में महाराज हजारों भक्तों के लिए लाखों भक्तों के लिए इंस्पिरेशन है और बहुत सारे भक्तों के लाइफ का शेल्टर है. तो जो हमारा भक्ति में डिजायर्ड गोल है कि हम लोग भक्ति में विनम्र बनना चाहते हैं, हरि नाम अच्छे से करना चाहते हैं, वो महाराज का एसेट है. सब भक्त महाराज से ये सीखना चाहते हैं और महाराज पूरे वर्ल्ड में श्रील प्रभुपाद जी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए प्रीचिंग कर रहे हैं, खासतौर से चाइना, फिलीपींस, ताइवान, सिंगापुर, इंडिया और सभी देशों में महाराज प्रचार है. रशिया में महाराज प्रचार करते हैं और महाराज जो है मायापुर इंस्टीट्यूट में टीचर है. शुरू से जब से मायापुर इंस्टीट्यूट बना है महाराज वहाँ पे भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव और अलग अलग कोर्सेज महाराज देते हैं. और नवदीप मंडल परिक्रमा में हम हर साल जब जाते हैं तो महाराज का हमें काइंड एसोसिएशन मिलता है. तो ऐसे प्योर डिवोटी के एसोसिएशन हम सबके लिए बहुत कंड्यूसिव है हमारी भक्ति के लिए. और हम महाराज का आज ये बहुत हम सबका फॉर्चून है कि महाराज का एसोसिएशन हमें मिल रहा है. तो हम हमें महाराज से सुनेंगे और अपने आप को प्योरीफाई करेंगे. थैंक यू वेरी मच महाराज एंड हरे कृष्ण. थैंक यू. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. So we're reading Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 6, Conversations between Narada and Vyasadeva, and we're on text number 33. And if there's time, we'll go into 34. Yes, Maharaj. Maharaj, I translate Maharaj in Hindi. Yeah, yeah. Thank you, Maharaj. So, Maharaj बताएगी हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के छठे अध्याय में 33वें श्लोक से आज पढ़ेंगे और जो कि जिसका शीर्षक है नारद मुनि और व्यासदेव के बीच में वार्तालाप. और यदि समय होगा तो 34वां श्लोक भी हम लोग चर्चा करेंगे. प्रगायता स्ववीरानी तीर्थ पद प्रियाश्रवा अहूता एव मे शीघ्रम दर्शनम यति चेतसि प्रगायता स्ववीर्यानि तीर्थपद प्रिया श्रवा अहूत एव मे शीघ्रम दर्शनम याति चेतसि प्रगायता स्ववीर्यानि तीर्थपद प्रियाश्रवा
Ahuta eva me shigram. Ahuta eva me shigram. Darshanam yati chetasi. Darshanam yati chetasi. All right, will we do word meaning and then read? Yes, Maharaj. You go ahead. You do the word meaning. Ragayataha, is prakar kate hue, swavirani, apni leelaen, tirthapadaha, Shri Bhagwan, jinke charan kamal, samast punyuka, ya pavitrata ke stotrahen, priyeshravaha, sunne me sukhat, avutaha, amantrit kyagya, eva, mano, me, muchko, shikram, jaldi hi, darshanam, darshan, yati, prakat hota hai, chetasi, hridayat thal mein. Anuvad, tatpari Srila Prabhupada ji ke dwara, Srila Prabhupada ki jay. Jo hi main Bhagwan Shri Krishna ki sumadur mahima ki pavitra leelaon ka kirtan karna prarambh karta hoon, tyon hi ve mere hridayat thal mein प्रकट हो जाते हैं मानो उनको आमंत्रित किया गया हो. एक बार फिर से हम इसको दोहरा सकते हैं. जो ही मैं भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर महिमा की पवित्र लीलाओं का कीर्तन करना प्रारंभ करता हूँ त्यों ही वे मेरे हृदय स्थल में प्रकट हो जाते हैं मानो उनको आमंत्रित किया गया हो. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम महाराज वीरी तपरपुट. या गो अहेड. थैंक यू महाराज. तात्पर्य परम पूर्ण भगवान अपने दिव्य नाम रूप लीलाओं तथा उनकी शब्द ध्वनियों से भिन्न नहीं हैं. जो ही शुद्ध भक्त उनके नाम रूप तथा लीलाओं का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण रूपी शुद्ध भक्ति में लग जाता है त्यों ही श्री भगवान आध्यात्मिक दुष्ट पटल टेलीविजन द्वारा शुद्ध भक्त के हृदय रूपी दर्पण पर अपना प्रतिबिंब उसकी दिव्य आंखों के सामने दिखलाते हैं. अतएव शुद्ध भक्त जो श्री भगवान से दिव्य प्रेम भक्ति का के कारण जुड़ा रहता है वह प्रतिक्षण भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर सकता है. यह सहज मनोविज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मुख से अपने यश का वर्णन सुनकर आनंदित होना पसंद करता है. यह सहज स्वभाव है और श्री भगवान भी अन्य व्यक्तियों की तरह एक व्यक्ति होने के कारण इस मनोविज्ञान का उपवाद नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति आत्मा में पाए जाने वाले मनोवैज्ञानिक लक्षण परम भगवान के उसी मनोविज्ञान के प्रतिबिंब ही हैं. अंतर केवल इतना है कि श्री भगवान सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं और अपने समस्त कार्यों में अलौकिक हैं. अतः यदि शुद्ध भक्त द्वारा अपने यश के गायन से श्री भगवान आकृष्ट होते हैं तो इसमें कोई विस्मय नहीं होना चाहिए क्योंकि वे परम पूर्ण हैं. अतः वे अपने महिमा गायन के रूप में प्रकट हो सकते हैं क्योंकि ये दोनों अभिन्न हैं. श्री नारद मुनि भगवान की महिमा का कीर्तन किसी निजी लाभ के लिए नहीं अपितु इसलिए करते हैं क्योंकि यह महिमा गायन श्री भगवान से अभिन्न होता है. श्री नारद मुनि दिव्य कीर्तन से श्री भगवान के समक्ष पहुंच पाते हैं. ओके. ओम ज्ञानतिमरण्डस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम्ने. नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चाच्यदेशधारिणे वंशकौपतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च
patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're hearing Narada Muni explain the process of chanting the glories of the Lord to Srila Vyasadeva. तो हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि श्री नारद मुनि भगवान के हरि नाम के महिमा गायन के विषय में श्रील व्यासदेव जी को बता रहे हैं। Narada Muni says, soon as I begin to chant the glories of the Lord, he at once appears on the heart, on the seat of the heart. तो नारद मुनि कह रहे हैं कि जैसे ही मैं भगवान का गुणान वर्णन करने लगता हूँ, भगवान मेरे हृदय के सीट पर विराजमान हो जाते हैं। And in the purport, Srila Prabhupada talks about spiritual television. और purport में Srila Prabhupada जी आध्यात्मिक टीवी के बारे में बताते हैं। So people will be pleased to know in the spiritual world there's also television. People are very attached to television. So in the spiritual world they also have television. तो महाराज कह रहे हैं क्योंकि हम टीवी से बहुत आसक्त हैं तो सबको जान के बड़ी खुशी होगी कि आध्यात्मिक जगत में भी टीवी है। Of course, television's out of date now. People don't bother so much with television. Everything's done on the mobile phone. महाराज कह रहे हैं आज के युग में तो टीवी भी पीछे हो गए हैं, सब कुछ लोग मोबाइल फोन में ही करते हैं। So, probably in Prabhupada's time, of course, it was not like that. Prabhupada's purport is relating to his own particular circumstances. तो शिला प्रभुपाद जी के समय ऐसा नहीं था, उस समय टीवी बहुत महत्वपूर्ण थे और शिला प्रभुपाद जी अपने समय के हिसाब से यहाँ पे लिख रहे हैं। However, the point is that as soon as we begin to chant the glories of the Lord, we immediately evoke the presence of Lord Krishna. तो महाराज बता रहे कि जैसे ही हम भगवान के नामों का गुणान वर्णन करने लगते हैं वैसे ही भगवान वहाँ पे स्वयं प्रकट हो जाते हैं। And in the purport, Srila Prabhupada describes how the Lord takes pleasure in hearing his pure devotees glorify him. और purport में Srila Prabhupada ji बता रहे हैं कि कैसे भगवान के शुद्ध भक्त जब भगवान का गुणान वर्णन करते हैं तो ये भगवान को बहुत प्रसन्नता देता है। So when the pure devotees like Narada Muni are glorifying Krishna, then gives special pleasure to Lord Krishna. और विशेष रूप से जब भगवान के शुद्ध भक्त जैसे कि नारद मुनि भगवान का गुणान वर्णन करते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता देता है। We know there are qualities in chanting the holy name. So there's similar qualities in describing the glories of the Lord. तो जैसे हम जानते हैं कि भगवान के हरि नाम में अलग अलग गुण हैं, इसी तरह भगवान के जो ग्लोरीज हैं भगवान की महिमा में भी अलग अलग गुण हैं। And just as there are qualities in chanting, there's also qualities in hearing. We should be careful that we want to develop also the taste for hearing. तो जैसे कि भगवान के नाम में अलग-अलग गुण हैं, इसी प्रकार श्रवण में भी जो है वो गुण हैं। हमें बहुत ध्यानपूर्वक सावधानी से श्रवण करना चाहिए। Actually, hearing is the first stage in the devotional service process. We begin by hearing. तो भक्ति के मार्ग में जो श्रवण जो है वो सबसे पहले होता है, हम भक्ति शुरुआत करते हैं श्रवण के माध्यम से। In the Bhagavad Gita, 7th chapter, the very first verse, Lord Krishna describes, Now hear from me, O Arjuna, how by practicing yoga in full consciousness of me, you can know me in full, free from doubt. तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय के पहले श्लोक में ही बताते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन आप सुनिए योग अगर आप पूरी तरह से योग में मेरी चेतना में रहेंगे तो आप मुझे जान पाएंगे बिना किसी संदेह के। We want to hear carefully. We want to hear without offense. Now, there's offenses in chanting. There's also offenses in hearing.
ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहते हैं बिना किसी अपराध के, जैसे कि जब के समय भी हम लोग अपराध कर सकते हैं, इसी तरह श्रवण में भी अपराध हो सकता है, तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। Sometimes when we hear, we may think, oh, I've heard this before, I know this, or this is not very important. कई बार जब हम श्रवण करते हैं तो हमें लगता है ओ ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं पहले सुन चुका हूँ, या ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। Just as when we chant, sometimes our chanting is done in where we chant without the proper, we don't have the proper attitude towards the chanting. जैसे कि कई बार हम ऐसा भी होता है कि हमारा जो जप है उसमें proper हमारा चेतना नहीं है, जप करने के समय हम अच्छे से जप नहीं कर रहे हैं। Sometimes a lot of apathy is there. Apathy means, oh, we're thinking, oh, this is not important. I could do better things than this. This is a waste of my time. We don't have the interest. We think it's not. We don't take it seriously. इस प्रकार जैसे जप में कई बार हम लोग जो है उसको इतना महत्व नहीं दे पाते। हमें लगता है कि नहीं बाकी चीजें भी शायद ज्यादा जरूरी है, हम उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं लेते और लगता है कि और चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है जब से। However, we see how Lord Krishna glorifies devotees like Narada because they're chanting the holy name. Lord Krishna says that he's not in Vaikuntha and he doesn't reside where in the hearts of the yogis, but he resides wherever devotees like Narada are chanting his holy name. तो हम देख सकते हैं कि भगवान अपने नारद मुनि जैसे जो भक्त हैं, जो कि हमेशा उनका गुणगान करते हैं, जब जो हरि नाम का महिमा का प्रचार करते हैं, उनको कितना भगवान उनसे प्रसन्न है। भगवान कह रहे हैं कि मैं वैकुंठ में भी नहीं हूँ, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं हूँ, लेकिन जहाँ पे नारद मुनि जैसे भक्त मेरा गुणगान करते हैं मैं वहां पर हूँ। Chanting the holy name, of course, is very essential for us in this Kali Yuga, because this is the process. There is no other process but the chanting of the holy name, by which we can gain perfection. तो भगवान के दिव्य नामों का जो जप है, यही इस युग का जो है प्रोसेस है, और कोई तरीका है ही नहीं, इसलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक भगवान नामों का जप करना होगा। Chaitanya Mahaprabhu quoted Kali Santara Upanishad, which says, not by karma, not by jnana, not by yoga, but only by chanting the holy name. So Kali Santara Upanishad mein Bhagwan batate hai ki karm se nahi, jnana se nahi, yoga se nahi, keval Bhagwan ke divya naam se hum Bhagwan ka bhakti kar sakte. But chanting the holy name is one process. There are other processes also. Just like I said, the importance of hearing. We know that Sukadeva Goswami got perfection by chanting, but Maharaj Parikshit also got perfection, and his perfection was through hearing. So Maharaj bata rahe ki chanting jo hai wo pramukh vidhi hai, lekin jap karne ke saath saath aur bhi vidhi hain, jaise ki shravan, jaise ki abhi humne bataya shravan ke bare mein. श्री सुखदेव गोस्वामी जो है अपने जीवन को पूरा परफेक्ट किया जप के माध्यम से, लेकिन परीक्षित महाराज ने श्रवण के माध्यम से किया। So I remember on one occasion we had the opportunity to ask Prabhupada, because we had some doubt. We thought, well, hearing, does it mean we have to read aloud? Do we have to hear physically? Is it not enough to just read the book? So we asked Prabhupada, and Prabhupada told us, he said, yes, if you read the book, he said, that's enough. You don't have to read aloud, you don't have to hear with the ears, but you read carefully. That is also hearing. तो महाराज कह रहे हैं कि क्योंकि श्रवण के जो विधि है उसकी बात हो रही है, तो हमने एक बार श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि जब हम कोई किताब पढ़ते हैं तो वो तो पढ़ना हो गया, लेकिन यहाँ पे श्रवण के बारे में बताया जा रहा है, तो क्या हमें उसको जोर से बोलकर सुनना चाहिए? जब हम सुनेंगे तभी वो श्रवण होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, नहीं, आप अगर उसको पढ़ रहे हैं, ध्यान पूर्वक पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ना भी जो है वो भी श्रवण है। And Srila Prabhupada has also written in a purport in Srimad Bhagavatam that by studying this Srimad Bhagavatam, one day we'll actually see Krishna in the pages of the Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada ji Srimad Bhagavatam ke purport mein likhte hain ki
जब हम श्रीमद् भागवतम को पढ़ेंगे ऐसे ध्यान पूर्वक, तो श्री भागवतम के पन्नों में हम भगवान को दर्शन कर पाएंगे. In the very first chapter of this first canto, we have questions by the sages. The sages in Naimisharanya were putting questions to Sonaka Rishi. तो इसी स्कंद के जो पहला अध्याय था, उसमें जो साधु हैं, वो शौनक ऋषि से प्रश्न पूछ रहे हैं. Yeah, actually Sonaka Rishi is the leader of the sages and he will put their questions to Sutta Goswami. Sutta Goswami answers. तो जो शौनक ऋषि हैं वो उन सभी साधुओं के एक तरह से नेता हैं और वो सुत गोस्वामी को उन सब के प्रश्न, उन सब के बिहाफ पे वो प्रश्न रख रहे हैं. So the final question of the sages in that first chapter was that now that Lord Krishna, who is the personification of all religious principles, has departed from the world, where are the religious principles to be found? तो वो जो उन्होंने कई प्रश्न पूछे, उसमें से जो सबसे अंतिम प्रश्न ये था कि अब कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ से अपनी लीलाओं को समाप्त करके अपने धाम चले गए हैं, तो धर्म जो है वो किसका आश्रय लेगा? And so the reply is given that the Srimad Bhagavatam is brilliant as the sun, and it has arisen just after the departure of Lord Krishna for his own abode. Persons who have lost their vision through the dense darkness of the age of Kali will get light from this Purana. तो इसमें बता रहे कि इसका उत्तर में बताया गया कि श्रीमद् भागवतम जो है वो सूर्य से भी ज्यादा प्रकाशमान है, और ये जो भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम जाने के बाद श्रीमद् भागवतम जो है वो धर्म को शरण देता है, और जो लोग इस कलयुग के अंधकार में भूल चुके हैं कि क्या सत्य है, वो श्रीमद् भागवतम से अपने ज्ञान को उजागर कर सकते हैं. इट्स अ नाइस वर्स. कृष्णे स्वधामो भगते धर्म ज्ञान दिबिसहा खलो निष्ठा दृशम एषा पूरणतो दृनो दृतः. So we understand this Srimad Bhagavatam as being the literary incarnation of Lord Krishna. तो महाराज ने बताया कि ये सुंदर श्लोक है, और फिर महाराज बता रहे हैं कि हम इससे समझ सकते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है भगवान के साहित्य अवतार हैं. Lord Krishna has different incarnation. He appears in this world in different ways, in different forms. तो भगवान श्री कृष्ण इस जगत में उनके अलग-अलग अवतारों के रूप में समय-समय पर प्रकट होते हैं. We know that we have the deity form of Lord Krishna, which is also an incarnation of Lord Krishna. हम भगवान के अर्च विग्रह के बारे में जानते हैं, वो भी भगवान के अवतार हैं. We have also the holy name. In the Chaitanya Charitamrita, it's stated, Kali Kale Namarupe Krishna Avatar. तो इसी तरह से भगवान का ये दिव्य नाम है, ये भी भगवान का अवतार है. चैतन्य चरितामृता में लिखा है कली काले कृष्ण रूपे कृष्ण अवतार. Because sometimes it's said that in the Kali Yuga, the Lord comes only, the Lord doesn't come. There was some discussion between Gopinath Acharya and Sarvabhauma Bhattacharya about whether or not the Lord actually comes in the Kali Yuga. तो ये दो महान भक्त गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य, इनके बीच में ये चर्चा होता है कि कलयुग में क्या भगवान अवतार लेते हैं क्या, इस पे थोड़ा सा चर्चा होता है. So Sarvabhauma Bhattacharya was saying that Chaitanya Mahaprabhu, he cannot be the incarnation of the Lord because the Lord doesn't come in the Kali Yuga. तो जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे, उनका जो मत ये था कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो परम भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान जो है इस कलयुग में प्रकट ही नहीं होते. But Gopinath Acharya pointed out to Sarvabhauma Bhattacharya that that's wrong. The Lord does come. He comes in every age. Sambhavami yuge yuge. The Lord himself says, I appear in every age. तो लेकिन जो गोपीनाथ आचार्य थे, उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य को बताया कि ये सही नहीं है. भगवान जो है हर एक युग में प्रकट होते हैं. संभवामी युगे युगे, हर एक युग में भगवान जो है यहाँ पे अवतरित होते हैं. But there's no Leela avatar in the Kali Yuga. कलयुग में जो है लीला अवतार भगवान के नहीं है कोई. But there are Yuga avatars.
लेकिन भगवान के युग अवतार जरूर हैं. We know Chaitanya Mahaprabhu came to establish the Yuga Dharma, the chanting of the holy name. तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो युग धर्म की स्थापना करने आते हैं भगवान के दिव्य नामों का नाम संकीर्तन. And he was described as a Yuga avatar in the Srimad Bhagavatam in the 11th canto. और श्री चैतन्य महाप्रभु को इस कलयुग का युग अवतार जो है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में बताया गया है. There's a discussion between Karabajana Muni, who is one of the nine Yogendras, and he's talking to Maharaj Nimi. Maharaj Nimi had asked to know about the Lord's incarnations in each age. तो महाराज निमी जो है वो कर्वजन मुनि से भगवान के अलग अलग अवतार हर एक युग में भगवान के अवतारों के बारे में पूछते हैं तो वहां पर उनको बताते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में. So Chaitanya Mahaprabhu, he is the incarnation of the Lord. It said Sri Chaitanya Radha Krishna Nahi Anya, that Lord Chaitanya Mahaprabhu is the combined form of Radha and Krishna. तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु जो है राधा और कृष्ण के युगल अवतार हैं, वो दोनों से अभिन्न हैं. So the Lord comes in the form of His deity, He comes in the form of His holy name, He comes also as a Yuga avatar, and He also comes in the form of Srimad Bhagavatam. तो महाराज बता रहे हैं कि श्री भगवान जो है अपने अर्च विग्रह के रूप में, अपने दिव्य नाम के रूप में, युग अवतार के रूप में और फिर श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रकट होते हैं. So Srila Prabhupada was very fond of Srimad Bhagavatam and he dedicated a lot of his time and energy to translating Srimad Bhagavatam. तो श्रीला प्रभुपाद जी जो है वो श्रीमद् भागवतम को बहुत प्रेम करते हैं और अपना खूब सारा समय, अपना पूरा शक्ति श्रीमद् भागवतम के अनुवाद करने में लगाते हैं. And of course, not only Srimad Bhagavatam, but also Chaitanya Charitamrita, which is like the postgraduate study of the Srimad Bhagavatam. और केवल श्रीमद् भागवतम ही नहीं, चैतन्य चरितामृता भी, जो कि श्रीमद् भागवतम से आगे का स्टडी है, पोस्ट ग्रेजुएट है. So it's important for us to follow this example of Narada Muni, to associate with the Lord by chanting His glories. तो हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि श्री नारद मुनि का जो उदाहरण है उसके हमें पालन करना चाहिए कि कैसे भगवान के दिव्य नाम के द्वारा हम भगवान का संग प्राप्त कर सकें. The Lord came to this world 5,000 years ago and performed His pastimes, His Leela, and in this way His pastimes could all be recorded in the scriptures so that we could also hear and chant and remember the Lord's activities. तो परम भगवान जो है 5,000 साल पहले यहाँ पर अपना लीला प्रकट करते हैं और वो सारा जो लीलाएं हैं वो शास्त्रों के माध्यम से उस सबको रिकॉर्ड कर लिया गया है ताकि हम भगवान के लीलाओं के बारे में श्रवण कर पाएं, उनका वर्णन कर पाएं और स्मरण कर पाएं. The Lord's mission in coming to this world is not only to kill the demons, because killing the demons could be done even without Him coming. तो भगवान जब अवतरित होते हैं तो उनके अवतरित होने का कारण केवल असुरों का वध करना नहीं है, क्योंकि असुरों का वध तो भगवान बिना प्रकट हुए भी कर सकते हैं. The Lord is in the heart of every living entity, so He's also in the hearts of the demons. And if He wants to kill the demons, He can simply give them a heart attack. तो महाराज कह रहे कि भगवान जो है सभी जीवों के हृदय में है, इसी तरह वो असुरों के हृदय में भी है, और अगर भगवान को असुर को मारना है तो उसके हृदय में हार्ट अटैक दे सकते हैं. But the Lord wants to come here into this world specifically to give pleasure to His devotees. लेकिन भगवान यहाँ पर प्रकट होते हैं विशेष रूप से अपने भक्तों को संतुष्ट करने के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए. And we see how the Lord, while He was in this world, He performed many different pastimes for the pleasure of His devotees. और हम देख सकते हैं कि भगवान जब यहाँ पर प्रकट थे तो अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए कई सारी लीला भगवान जो करते हैं. And these pastimes have been recorded, they've been put into wonderful poetic narrations in the form of
books like Srimad Bhagavatam. और ये सारी भगवान की लीलाएं जो हैं ये अलग अलग कविताओं के द्वारा और ये अलग अलग रिकॉर्ड किया गया है श्रीमद् भागवतम में. Just like the followers of Lord Rama, they are very fond to read Ramayana, and they can read all about the life and the activities of Lord Ramachandra. जिस प्रकार जो भगवान श्री राम के भक्त हैं वो रामायण पढ़ना बड़ा पसंद करते हैं, वो पूरे जीवन भर रामायण में जो भगवान के अलग अलग पूरे जीवन काल की लीलाएं दी हैं उसको पढ़ सकते हैं. But the devotees of Lord Krishna, they will like to read the Srimad Bhagavatam, because it's a Srimad Bhagavatam which is describing everything about Krishna. तो जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं वो उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम को पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है भगवान के अलग अलग लीलाओं उनके पूरे कार्यकलापों का वर्णन करते हैं. The Srimad Bhagavatam in 12 cantos represents the form of Lord Krishna. तो श्रीमद् भागवतम के जो 12 स्कंद हैं वो भगवान के रूप को दिखाते हैं. The first two cantos represent the Padapadma, the lotus feet of Lord Krishna. जो श्रीमद् भागवतम के पहले दो स्कंद हैं वो भगवान के चरण कमलों को रिप्रेजेंट करते हैं. एंड देन द लेटर कैंटोस रिप्रेजेंट डिफरेंट लिम्स ऑल द वे अप टू द 10th कैंटो. 10th कैंटो श्रीमद् भागवतम रिप्रेजेंट्स द लोटस फेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा. और उसके बाद जो अलग अलग स्कंद हैं वो भगवान के अलग अलग शरीर के अंगों को प्रतिनिधित्व करते हैं, और 10वें स्कंद तक और 10वां स्कंद जो है वो भगवान के मुख कमल को बताता है. So when we go to see the deities, and just as when we go to see a very great personality, we will first of all look to their lotus feet, we'll bow to their feet, and then gradually we would look up towards their face. तो जैसे कि हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं या हम किसी महान व्यक्ति का दर्शन करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उनके चरणों की ओर दर्शन करते हैं, पहले उनका चरण का दर्शन करते करते वहाँ पे प्रणाम करते हैं, झुकते हैं और फिर उनके चेहरे की ओर देखते हैं. So similarly, when we study Srimad Bhagavatam, we want to study it systematically, and it should be from the beginning and gradually come up to the 10th canto. इसी तरह से जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहते हैं तो हमें उसको जो है एक बहुत अच्छे क्रम के हिसाब से पढ़ना चाहिए, सब उसको बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना चाहिए, तो पहले एक स्कंद से शुरू होकर फिर धीरे धीरे आगे 10वें स्कंद तक पहुंचे. Now there are some people unscrupulous who are of low character, and they will jump prematurely to the 10th canto because they want to hear about Lord Krishna's pastimes with the gopis. तो कुछ जो नीचे चरित्र के लोग हैं वो सीधा जो है जो 10वें स्कंद में जंप करके वहां पे उसको पढ़ना चाहते हैं और भगवान की जो गोपियों के साथ जो लीलाएं हुए हैं उसके बारे में वो बोलना चाहते हैं. One should be very careful to avoid hearing from such people because it will not have spiritual potency. ऐसे व्यक्तियों से बहुत सावधान होना चाहिए, वहां से हमें श्रवण नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें कुछ भी आध्यात्मिक शक्ति नहीं है. We want to hear about Lord Krishna from the beginning. We want to understand all of the potencies of Krishna. हम भगवान के बारे में बिल्कुल शुरुआत से सुनना चाहते हैं, हम भगवान के सारे गुणों को समझना चाहते हैं, उनकी सारी शक्तियों को. So you can see the Srimad Bhagavatam begins with descriptions of the process of creation, what is called Srishti Tattva. Recording in progress. Hare Krishna. Shad network problem. I'm back. Hare Krishna. You can hear me? Oh. Hare Krishna. Yes, Maharaj. Now we can hear you. Okay. Yeah. Hear. Internet problem. Yeah. My upper. Sorry. Okay. So. We were speaking about hearing, it's important for us to hear about all of Krishna's different potencies, and it's good to hear about his creation.
the Krishna's activities of creation are just as important and as powerful as hearing about Krishna's Rasa Leela. तो महाराज बता रहे कि हमें भगवान के सब तरह के जो लीला हैं उनके बारे में श्रवण करना चाहिए जिस प्रकार से उदाहरण के लिए जैसे भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं क्रिएशन वो भी उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है जैसे कि भगवान की रास लीला The process of creation is described therefore in the beginning of the Srimad Bhagavatam and it will help us to understand the inconceivable potencies of Lord Krishna. तो इसीलिए जो इस सृष्टि की रचना का जो ये पूरा लीला है भगवान का उसको शुरुआत में दिया गया ताकि हम भगवान की अचिंत्य लीलाओं को समझ भगवान की अचिंत्य शक्ति को समझ पाएं. And then we hear about the Lord's other avatars. We hear about the Lord's incarnations, for example, Lord Varaha and Matsya and Kurma, how the Lord appears in these different forms and performs wonderful pastimes. और इसके बाद श्रीमद् भागवतम में हम भगवान के अलग-अलग अवतारों के बारे में सुनते हैं जैसे कि भगवान का मत्स्य अवतार वराह अवतार कूर्मा अवतार और इनकी जो दिव्य लीला है इनके बारे में श्रवण करते हैं And we hear about Lord Nrisingadev, how the Lord appears in an inconceivable form, half man, half lion. और फिर हम आगे जाके भगवान श्री नरसिंह देव के बारे में पढ़ते हैं कि भगवान कैसे अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हुए आधे शेर और आधे मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं So by hearing about all of these different forms of the Lord and his different avatars, we're able to get a greater understanding of the inconceivable potency of Lord Krishna. तो जब भगवान के हम अलग-अलग अवतारों के बारे में श्रवण करते हैं, तो हम भगवान की जो अद्भुत शक्ति है, भगवान की अचिंत्य शक्ति है, उसको और अच्छे से समझ सकते हैं. We want to understand Lord Krishna is not simply avatar. But he is avatari. He is the source of all the avatars. तो हम ये अच्छे से समझना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अवतार नहीं हैं. भगवान श्री कृष्ण अवतारी हैं. वो सभी अवतारों के स्तोत्र हैं. Therefore, in the third chapter of this first canto, Sutta Goswami was describing the different incarnations of the Lord. And when he came to Lord Krishna, he said, Ite cham sakala pumsa Krishna's tu Bhagavan Swayam. That Krishna is not an avatar, but he is Bhagavan Swayam. He's the original personality of Godhead. So, Srimad Bhagavatam ke pehle skand ke tisre adhyay mein, jab Srila Sukadev Goswami Bhagavan ke alag-alag avataron ke bare mein batate-batate Krishna tak pahunchte hain, तो फिर बोलते कि कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है कृष्ण स्वयं भगवान है वो सभी अवतारों के स्तोत्र हैं सो वी डू गेट पीपल हु हियर अबाउट लॉर्ड कृष्णा एंड दे जस्ट सिंपली हियर अबाउट कृष्णास पास टाइम्स विद द गोपीज एंड दे थिंक दे आल्सो वांट टू बी लाइक कृष्णा तो हम कई ऐसे लोगों को मिलते हैं देखते हैं जो कि भगवान के गोपियों के साथ जो दिव्य लीलाएं उनके बारे में श्रवण करना चाहते हैं और वो बोलते हैं वो भी भगवान की तरह ऐसे ही बनना चाहते हैं ऐसी लीला करना चाहते हैं सो वी सिंग जय राधा माधव कुंज बिहारी सो दे थिंक ओ आई वांट टू बी लाइक राधा माधव आई विल वांट टू आल्सो एंजॉय पास टाइम्स इन द कुंजस इन द फॉरेस्ट ऑफ वृंदावन तो हम देखते हैं ऐसे कुछ लोग बोलते हैं जय राधा माधव कुंज बिहारी तो हम भी जो है राधा माधव की तरह जो वृंदावन के कुंजों में जो है लीलाएं करना चाहते हैं But then the next line says गोपी जन बालव गिरि बरदारी that Krishna is not just enjoying the pastimes with the gopis but he's picking up the Govardhan hill so can you pick up the Govardhan hill तो लेकिन अगली लाइन में उस भजन में आता है गोपी जन बालव गिरि बरदारी तो भगवान केवल गोपियों के साथ कुंजों में जो लीलाएं नहीं कर रहे भगवान गोवर्धन पर्वत को भी उठाते हैं तो क्या आप गोवर्धन पर्वत को उठा सकते हैं We want to understand very clearly Krishna is not an ordinary person he's not just any ordinary person he's the supreme lord he's swayam bhagavan तो ये चीज को हम बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं कि परम भगवान कोई साधारण मनुष्य नहीं है वो परम कृष्ण जो है वो परम भगवान है वो सारी सृष्टि के
रचना करने वाले हैं अभिजनन्ति मम मुधा मनुषिम तन्मश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश द फूलिश मॉकेट मी descending amongst them like a human being. They do not know my transcendental nature and supreme dominion over all that be. तो जो श्रीमद् भागवत गीता से भारत बता रहे कि अब जानती है माम मूढ़ा तो भगवान बता रहे कि जो व्यक्ति ये मूर्ख व्यक्ति हैं जो मुझे अपनी तरह साधारण मनुष्य समझते हैं वो मेरी जो अचिंत्य शक्ति को नहीं समझ सकते और वो मुझे एक साधारण व्यक्ति के रूप में जानते हैं So by hearing the Srimad Bhagavatam from the very beginning, this message is made very is put again and again through the different verses and the different narrations which are given to help us to understand the supreme position of Lord Krishna. तो इसलिए श्रीमद् भागवतम में शुरुआत से ही अलग-अलग श्लोकों में अलग-अलग व्याख्याओं के द्वारा ये बहुत अच्छे से ये समझाया जाता है परम कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है We want to understand not just only his supreme position but the fact that Lord Krishna is fully transcendental and he is without any of the inebrieties without any of the faults of the material world तो महाराज बता रहे कि हमें केवल यही नहीं जानना है कि कृष्ण जो है वो परम भगवान है अभितु वो भगवान वो जो है दिव्य हैं भगवान जो है इस दुनिया के गुणों से परे हैं भगवान के अंदर किसी भी प्रकार का कोई गलती नहीं हो सकता भगवान से We are often influenced by the modes of nature. Often we're influenced by passion and ignorance. Sometimes also some goodness, but it's all material. तो हम जीव जो है हम प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित रहते हैं कभी रजोगुण कभी तमोगुण और कभी कभी सतोगुण भी So we think Lord Krishna he must also be influenced by the modes of nature he's also lusty he's also you know doing mischief and doing things of ignorance so we think of him like we don't understand his transcendental position तो क्योंकि हम तीनों गुणों के से प्रभावित हैं तो हम कई बार गलती से ये समझ सोच लेते हैं कि भगवान भी जो है ये तीनों गुणों के द्वारा नियंत्रित हैं तो हमें लगता है कि भगवान बड़े कामी हैं और अज्ञानता में हैं क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि हम भगवान की दिव्य जो स्थिति है उसको नहीं समझते हैं As Lord Krishna says in the Bhagavad Gita, Maya Jakshena Prakriti Suyate Sacharacharam That this material nature moves under my direction, O son of Kunti. तो भगवान जैसे कि बता रहे हैं भगवत गीता में कि ये जो पूरा भौतिक संसार है, ये भगवान कह रहे हैं कि मेरे निर्देश के हिसाब से चलता है. Lord Krishna controls the material nature. We are controlled by the material nature. तो भगवान श्री कृष्ण जो है इस भौतिक जगत का नियंत्रण करते हैं और हम लोग इस भौतिक जगत द्वारा नियंत्रित हैं। We want to understand very clearly the supreme position of Lord Krishna over everything. तो हम ये बहुत अच्छे से इस चीज को समझ लेना चाहते हैं कि कैसे कृष्ण जो है, उनका जो स्थिति है, वो परम है, वो सभी चीजों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हैं। And the effect we can understand, we get some realization of that supreme position of Lord Krishna. The more we chant His name. Because by chanting His holy name, we can experience how we become transformed. तो महाराज बता रहे कि ये भगवान की ऐसी स्थिति को समझने में हमें मदद होगा जब हम भगवान के दिव्य नामों का जप करेंगे क्योंकि नाम जो है वो हमारी चेतना को उठाता है. We can chant the glories of Lord Krishna endlessly. We never become tired. तो महाराज कह रहे हैं कि हम भगवान के दिव्य लीलाओं को लगातार हम लोग हमेशा उसका जप कर सकते हैं कभी हम थकेंगे नहीं Lord Ananta Shesha resides in the bottom of the universe and the different planets are resting on his hoods and with each of his mouths he has 1000 mouths and each of his mouths are describing the glories of the Lord since time immemorial and they're never exhausted तो महाराज बता रहे कि हम जानते हैं कैसे अनंत शेष जो है वो
नीचे कॉजल ओशन में है, उनके उनके जो है हजार मुंह है और उनके ऊपर जो अलग अलग जो प्लैनेट है वो स्थित है, और वो उन हजार मुंह से भगवान की दिव्य लीलाओं का लगातार गुणगान कर रहे हैं लेकिन कभी थकते नहीं है. In the material world, if we glorify some mundane person, some athlete or politician or as sportsman, how long can we glorify them for? तुम्हारे कह रहे कि अगर हम भौतिक जगत में किसी का गुणगान करने का कोशिश करते हैं, किसी राजनीतिक कोई नेता हो, कोई खिलाड़ी हो, कोई इस तरह का कोई भी व्यक्ति हो, तो कितना देर तक आप उनका गुणगान कर सकते हैं? The different stars of the material world are Bollywood stars. How long will you glorify them for? इस तरह से इस भौतिक जगत में कई सारे फिल्मी अभिनेता, इनको कितने समय तक आप इनका गुणगान कर सकते हैं? And just a matter of time, in a short time, they go out of fashion. They're no longer popular. No, we lose interest in them. और ये केवल कुछ समय की बात है. कुछ ही समय बाद ऐसे जो अभिनेता हैं, वो कुछ ही समय बाद वो उनका कोई उनको कोई चाहता नहीं. कुछ समय बाद वो बाहर हो जाते हैं. But Lord Krishna is very different. The more we hear about Krishna, the more we chant about Krishna, the more we want to hear. लेकिन परम भगवान कृष्ण बिल्कुल अलग हैं इससे. जितना ज्यादा हम भगवान का श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, उतना और ज्यादा हम श्रवण और कीर्तन करना चाहते हैं. When Uddhava came to visit Vrindavan, he was bringing a message from Lord Krishna to the gopis. At that time, he was able to see the mood of the gopis and their absorption of Krishna. तो जब श्री उद्धव जी जो है वो वृंदावन में आए थे और वो कृष्ण का संदेश गोपियों को देना चाहते थे, तो उस समय उन्होंने देखा कि गोपियों का क्या चेतना है, कितना ज्यादा वो कृष्ण चेतना में पूरी तरह से डूबे हुए हैं. So one of the gopis, who we would understand to be Srimati Radharani, she was describing that although she wants to stop speaking about Krishna, although she'd like to forget about Krishna, she can't. तो उस समय जो एक गोपी जिनको हम समझ सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी, वो बोल रही थी कि हालांकि वो भगवान के बारे में जो बोलना रुकना चाहते, नहीं बोलना चाहते, उनके बारे में सोचना नहीं चाहते, लेकिन ये संभव ही नहीं हो पा रहा है. And she said, this is not only her problem, but it's a problem for many, many devotees. The more they hear about Krishna, the harder it is for them to stop thinking of Krishna, and they just become mad after Krishna. और वो ये बताते हैं कि ये केवल उनका दिक्कत नहीं है, ये कई सारे भक्तों का ये दिक्कत है कि जितना ज्यादा वो भगवान के बारे में श्रवण करते हैं, उतना ही भगवान के बारे में हमेशा चिंतन लगा रहता है और वो एक तरह से मदान्वित हो जाते हैं भगवान के बारे में सोचने के लिए. And we see Narada Muni, he has that mood. Wherever he goes, he's taking his tambura and he's chanting the holy names of the Lord. तो हम देख सकते हैं कि नारद, श्री नारद मुनि जी का भी यही मूड है. वो जहाँ भी जाते हैं भगवान के नामों का गुणानुवर्णन करते हैं, अपना तंबूरा लेके हर जगह पहुँचते हैं. And wherever Narada goes, he's preaching Krishna consciousness and he's making many people Krishna conscious. और जहाँ पर भी श्री नारद मुनि जाते हैं, वो कृष्ण भावना मित का प्रचार करते हैं, वो कई सारे लोगों को कृष्ण भावना भावित बनाते हैं. So Srila Prabhupada was like a modern-day Narada Muni. He was traveling everywhere, taking the message of Lord Krishna and bringing the holy name to everyone. So Srila Prabhupada ji, हमारे आधुनिक युग के नारद मुनि हैं. वो पूरे सृष्टि में, पूरे पृथ्वी पर ब्रह्मांड करते हैं और भगवान के इस दिव्य संदेश को ले जाके हर एक जगह लोगों को देते हैं. We want to also try to appreciate that process, the chanting of the holy name and the importance of glorifying Krishna, using our tongue to speak about Krishna. तो हम इस चीज को और अच्छे से ज्यादा समझना चाहते हैं और इसके लिए लालायित होना चाहते हैं कि कैसे भगवान के दिव्य नामों का क्या महिमा है, कृष्ण के बारे में को दूसरों को बताने में क्या महिमा है. The nature of the tongue is it's going to talk, it likes to talk, we like to
we're often singing songs or we're talking something. We go to the market, you talk, you meet people, you talk with them. So we're always using the tongue. तो महाराज कह रहे कि हमारी जो जीवा है उसका स्वभाव है बोलना. हम बहुत बोलना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, हम मार्केट में जाते हैं, कई लोगों से हम बात करना चाहते हैं, तो हमारा स्वभाव है हमेशा बोलने का. The problem is that our tongue is often talking nonsense, gramya chata, the village talk, not things which are not important. लेकिन दिक्कत का बात यह है कि हमारी जो जीवा है वो हमेशा जो है नॉनसेंस तरह की बातें करना चाहता है, जो ग्राम वार्ता है, जो जो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें नहीं है हम उसके बारे में हमेशा बात करना चाहते हैं. It is said nonsense talk will bring nonsense thoughts, and then from nonsense thought there will come nonsense actions, and when we do nonsense actions then that will cause again birth, old age, disease and death. तो महाराज बता रहे कि अगर हमारा जो इस तरह का मूर्खतापूर्ण हमारा बातें होगा तो उसी तरह के मूर्खतापूर्ण विचार होंगे, उसी तरह का हमारा कार्यकलाप होगा और फिर बार बार वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हमें डाल देगा. We want to make the tongue chaste, just like you have a wife, you want a chaste wife. So you want the tongue also to be chaste. It should be chaste to Krishna. तो जैसे कि हमारी पत्नी है तो पत्नी जो है वो हम चाहते हैं कि वो पतिव्रता हो, वो जो है पूरी तरह से पति के प्रति लॉयल हो. उसी तरह हमारी जो जवान है हमें चाहते हैं कि वो जो है कृष्ण के प्रति वो लॉयल हो, हमेशा कृष्ण के बारे में बोले. The Srimad Bhagavatam describes the people who are using the tongue to glorify the mundane world, their talking is like the croaking of the frog. तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस भौतिक दुनिया का गुणान वर्णन करते हैं इस जवान के द्वारा, तो उनका बोलना जो है एक मेंढक के समान है. When the frog is croaking, it's bringing the snake of death closer. तो जैसे कि जब एक मेंढक टरटराता है तो वो अपनी मृत्यु के सांप के रूप में अपनी मृत्यु को ही आमंत्रित करता है. In the same way, when we talking nonsense talk, we are bringing also death closer, and again birth and death in the material world. तो इसी प्रकार से अगर हम जो है ऐसे मूर्खतापूर्ण चर्चा करते रहेंगे तो हम भी जो है अपनी मृत्यु को ही आमंत्रित कर रहे हैं और फिर उस मृत्यु के बाद दोबारा से जन्म और फिर दोबारा से मृत्यु इस भौतिक जगत में ही. But when we use the tongue to chant the glories of Lord Krishna, then that takes us out of the material world. लेकिन जब वही जवान को हम भगवान का गुणानुवर्णन करने में लगाते हैं तो यही जवान जो है हमें इस भौतिक जगत से बाहर निकाल देता है. As the sun rises and sets every day, it reduces the duration of life for those who are not glorifying the Lord. तो जिस प्रकार से सूर्य जो है हर एक सूर्य के उदय और अस्त होने के साथ उस हर व्यक्ति का जीवन मृत्यु की तरफ बढ़ता जा रहा है जो व्यक्ति जो है भगवान का गुणानुवर्णन नहीं कर रहा. But those who use their tongue for the service of Krishna, to chant his name and to speak his glories, then they're getting out of the material world. They will not see birth and death again. लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति अपने जवान को हमेशा जो है भगवान का गुणानुवर्णन करने के लिए, भगवान के दिव्य नामों का जप करने के लिए इसमें लगाते हैं, वो इस असल में इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए तैयारी कर रहे हैं. We talk of the material world, it just simply creates more problems for us. There will be conflicts and arguments and intrigues. This is all the mood of the material world. People fighting and arguing with each other. तो हम जितना ज्यादा इस भौतिक जगत के बारे में बात करेंगे उतना ही ज्यादा यहाँ पे क्लेश होगा. भौतिक जगत जितना भी करेंगे और ज्यादा दिक्कतें पड़ेगा, हमारे बीच में विवाद होगा, हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति क्रोध करेंगे. तो ये भौतिक जगत ये प्रॉब्लम का ही कारण है, जितना ज्यादा इसकी बात करेंगे उतना प्रॉब्लम बढ़ेगा. बट वेन वी ग्लोरिफाई कृष्णा देन एवरीवन कैन अप्रिशिएट, एवरीवन विल बी हैप्पी, इट विल क्रिएट द मूड ऑफ रियल हार्मनी एंड वी विल फील यूनाइटेड एंड टुगेदर.
इसके विपरीत जब हम भगवान के बारे में गुणानुवर्णन करेंगे, भगवान के बारे में बोलेंगे, तो इससे सब कोई संतुष्ट होगा, सब कोई जो है एक साथ होगा और सब कोई एक दूसरे को अच्छा लगेगा सबको ये भगवान के बारे में सुनना। So this is the purpose of Krishna consciousness, to bring people together, to unite them as one family under Krishna. तो यही कृष्णा भावना मित का जो है उद्देश्य है कि सब लोगों को एक साथ मिलाना, सब लोगों को भगवान के शरण में एक साथ मिलकर भक्ति करना। Okay, we will stop here. We'll ask if there's any questions. Yes, thank you, Maharaj. तो महाराज कह रहे कि यहाँ पे हम विराम देते हैं, आपकी तरफ से जो प्रश्न है वो आप पूछ सकते हैं। तो जो डिवोटीज के प्रश्न है वो चैट में अपना हाथ उठा सकते हैं, हम एक एक करके आपको अनम्यूट कर देंगे। तो कई सारे भक्तों ने हाथ उठाए हैं, तो सबसे पहले हैंड रेज है गोलोक वासिनी, आप आगे म्यूट। हाँ, आप अनम्यूट कर सकते हैं, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। Hare Krishna, thank you so much Maharaj for your wonderful association and nice class. Maharaj, I had two questions. Maharaj, if we are superior energy, like soul is a superior energy, then how can we get controlled by inferior energy? So, इनका दो प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि अगर हम भगवान की उच्च शक्ति हैं तो हम भगवान ये जो निम्न शक्ति है उससे हम कैसे नियंत्रित हो सकते हैं? Well, we are the marginal potency rather than superior energy. We are the marginal potency, and we are Krishna's prakriti. तो महाराज बता रहे कि हम जो है तटस्थ शक्ति हैं, हम लोग जो है कृष्ण की प्रकृति के रूप में हैं, हम सुपीरियर शक्ति नहीं है, मार्जिनल हैं। But we are very small in size. We are very minute. We are not like Krishna. Krishna is infinite, but we are finite. We are very small. तो महाराज बता रहे कि हम लोग बहुत छोटे हैं, हम लोग बहुत minute हैं, हम कृष्ण की तरह नहीं हैं। कृष्ण जो है अनंत हैं, हम लोग बहुत ही छोटे हैं। We are compared to sparks which come from the fire. So the spark comes from the fire, it can easily be extinguished. तो हमारा जो स्थिति है इस तरह से है जैसे आग की चिंगारी। तो आग की जो चिंगारी है वो बहुत छोटी है, कभी भी वो बुझ सकती है। The fire is not extinguished, it's a big blazing fire, but the little spark comes from the fire, it can be extinguished. तो जो बड़ा आग जल रहा है वो नहीं बुझता है, लेकिन जो आग उसी आग से निकलने वाली एक छोटी चिंगारी है वो कभी भी बुझ सकती है। So we are the marginal potency, that we have that independence, we can choose where we want to reside. Do we want to reside under the external energy or the internal energy? तो महाराज कह रहे हैं कि हम जो ये हमारा अपना स्वेच्छा है, हम इसको चूज कर सकते हैं, हम ये खुद हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ रहना है, भगवान की इंटरनल पोटेंसी में या एक्सटर्नल पोटेंसी से इन्फ्लुएंस होना है। When we have the desire to be independent of the Lord and not to surrender to Him and not to cooperate with Him, we come into the material energy and under the external energy. तो जब हम ये निर्णय करते हैं कि हम भगवान के से स्वतंत्र होना चाहते हैं, भगवान को शरणागति नहीं होना चाहते, तो हम भगवान की जो बाहरी शक्ति के रूप में के कंट्रोल में आ जाते हैं। But when we have that surrendered mood and cooperate with the plan of the Lord, then we can enter into the internal potency of the Lord. तो लेकिन इसके विपरीत जब हमारा जो मूड है वो भगवान के प्रति शरणागत का है, भगवान का जो प्लान है उसके हिसाब से चलने का होता है, तो फिर हम भगवान की इंटरनल पोटेंसी के अंदर आते हैं। Lord Krishna gives all of us free will. We can choose. तो भगवान श्री कृष्ण हम सबको स्वेच्छा देते हैं, हम अपनी इच्छा से हम चूज कर सकते हैं कि हमें क्या करना है। Now you may say, well, why does Krishna allow us to suffer in the material world? Why doesn't he just take us to the spiritual world? तो अब आप ये पूछ सकते हो कि भगवान हमें इस भौतिक जगत में
दुखी होने के लिए क्यों छोड़ क्यों यहाँ पे लाते हैं, क्यों हमें वो आध्यात्मिक जगत में नहीं ले जाते? We should understand the vast majority of the living entities all reside in the spiritual world. तो हमें ये समझना चाहिए कि सारे जो जीव हैं उसका जो अधिकांश हिस्सा है, अधिकांश जीव जो है वो हमेशा आध्यात्मिक जगत में ही है. But there's a minority like us. We're here in the material world, just like in the country there are prisons. Now most people are law-abiding and they live a life free. They follow the laws of the state. But those people who are rebellious, they're put into jail. They go to prison. And so we're like the prisoners. We're in this material world, which is like the prison house for the Lord. तो महाराज यहाँ पे बता रहे बहुत सुंदर कि हमारा जो स्थिति है, हम लोग वो हम ज्यादातर लोग भगवान के आध्यात्मिक जगत में है, लेकिन हम थोड़े से लोग जो है इस भौतिक जगत में हैं और हम उन कैदियों की तरह हैं. तो जब एक स्टेट है तो वहाँ पे सब लोग जो स्टेट के नियमों का पालन करते हैं वो आराम से बाहर घूम सकते हैं, लेकिन जो लोग उस नियमों को तोड़ते हैं उनको जेल में डाला जाता है. तो हमारी स्थिति उन कैदियों की तरह है. He gives us free will, just like, you know, the woman, if the man says to the woman, you love me, no, and the man says, if you have to love me or else I will beat you. And so that is not love, if love is forced. A love must be natural. So, यहाँ पे महाराज बता रहे हैं कि कृष्ण जो है हमें फोर्स नहीं करते, हमें अपनी स्वतंत्रता देते हैं. जैसे कि एक आदमी जगह एक औरत को बोलता है कि आपको मुझे प्रेम करना पड़ेगा, आप प्रेम नहीं करोगे तो आपको मैं पीटूंगा. तो ये प्रेम नहीं है, ये फोर्स है. तो भगवान हमें ऐसे फोर्स नहीं करना चाहते. यस, व्हाट्स योर अदर क्वेश्चन मैनेजर जी? आपका दूसरा प्रश्न क्या है? यस थैंक यू एंड थैंक यू महाराज. महाराज माय सेकंड क्वेश्चन इज लाइक व्हेन आई रीड I feel like I can't read much. I get headache and sometimes feel sleepiness. And when I try to learn shlokas, now memory is very less. I'm not able to memorize the way I used to do 10 years back. So how to overcome this much? So, प्रश्न ये है कि जब हम ये ग्रंथों को पढ़ने का कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाते, कुछ ज्यादा ध्यान, और फिर जब श्लोकों को याद करने का भी प्रयास करते तो श्लोक याद नहीं होते जैसे 10 साल पहले होते थे. तो इसमें क्या करना चाहिए? Well, you have to have more determination. I think you're giving up too easily. तो महाराज बता रहे हैं कि हमें और ज्यादा निश्चय होना चाहिए, इतना जल्दी हार नहीं मानना चाहिए. You're not so old, first of all. You're an eternal soul. The soul never gets old. So, you know, reading, you feel sleepy. Yeah, that's going to happen if you're not determined. But if you really want to stay awake, you can. Take the book and stand up and read out loud. तो महाराज कह रहे हैं कि हाँ ये ठीक बोल रहे हैं आप, कैसा हो सकता है कि आप जब किताबें पढ़ रहे हैं तो आपको नींद आ रहा है, लेकिन आपको निश्चय से उस पे उसको करना पड़ेगा. आपको अगर ज्यादा नींद आ रहा है तो आप खड़े हो जाइए और जोर से बोल बोल के पढ़िए. And try to get association, have somebody read with you, make a group, or you have a husband, then read with your husband, you know. But there are certainly ways to keep awake when you read. तो महाराज बता रहे हैं कि आपको अगर नींद आता है तो किसी के साथ में पढ़िए, या तो कुछ एक ग्रुप बनाइए, या अगर आपके पति हैं तो आप उनके साथ पढ़िए. कई सारे तरीके हैं कि आप कैसे पढ़ सकते हैं ध्यान. एंड यू वांट टू लर्न श्लोक, यू कैन, यू से योर मेमोरी इज नॉट लाइक इट वाज. आई डोंट बिलीव इट. योर मेमोरी इज गुड, यू जस्ट हैव टू यूज इट. यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ टू रिसाइट दिस श्लोकस more and more. If you recite them regularly every day, you start to remember them. तो महाराज कह रहे हैं कि और जो आप कह रहे हो कि मेरा मुझे श्लोक याद नहीं होते, मेरा memory power उतना नहीं है, तो महाराज कह रहे हैं मैं इसको नहीं मानता. अगर आप निश्चित
पूर्वक उसको रोज श्लोकों को उच्चारण करेंगे तो आपको जरूर याद हो जाएंगे. So it's just simply that determination that I have to do it, I have to do it. We have to be really determined that I really want something very badly. We'll make great efforts to do it and Krishna will help you. So Maharaj is saying that we have to do it with a strong commitment. और अगर हम इतनी तीव्रता से और उसके हिसाब से हमें प्रयास भी करना चाहिए तो जब ऐसा निश्चय और ऐसा प्रयास होगा तो फिर हम जरूर कर पाएंगे. Mother, I was hearing Mother Narayani Mataji describe how she was learning slokas, and she was describing, you know, she had a daughter and she was bringing up her child, but she said every day she would recite about 200 slokas. And she would recite them every day, and she did that for like a long time, more than a year. And this way, she was learning all the slokas. So Maharaj उदाहरण दे रहे हैं नारायणी माताजी का, और वो बता रहे हैं कि कैसे उन बेटी भी हैं, और वो महाराज बता रहे हैं कि रोज दिन लगभग 200 श्लोकों को उच्चारण करते थे, और इस तरह से उन्होंने श्लोक पढ़ा, और ये काफी लंबे समय तक किया, लगभग एक साल तक उन्होंने ऐसा किया, 200 श्लोक रोज बोलना. So I encourage you, you make more efforts. You have to beat your mind. Your problem is your mind. You give up too easily. So Maharaj keh rahe ki main aapko protsahit karta hu ki aap aur prayas kijiye. Aapka jo problem hai wo aapka man hai. Aap man ko mariye. Aap bahut jaldi man ki baat maan lete hain. Yeah, it's easy to say, oh, I'm old now. You should just sit down and die. Sorry, Maharaj. You don't just sit down and die because you're old. Maharaj कह रहे कि ये सोचना कि हम बूढ़े हो रहे हैं तो बस ऐसे नहीं कि हम बैठ जाएं कि हाँ हम मरेंगे. हमें मेहनत करना पड़ेगा. You have to keep your mind engaged. You have to hear. You have to chant. So you hear the books, you hear regularly, get association, and you want to learn the verses, you chant them regularly, repeat them every day, make a program that every day, maybe you say your Gayatri every day, you say Gayatri three times a day, then but after you say Gayatri, say the slokas you want to learn. So Maharaj keh rahe ki hame aapko apne man ko puri tarah se Bhagwan ki seva mein व्यस्त रखना पड़ेगा. आपको श्रवण करना होगा, जप करना होगा, भक्तों का संग करना होगा, और बहुत तीव्रता से ये निश्चय करना होगा कि हम इसको करेंगे. हमारा जैसे एक फिक्स प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे कि गायत्री करते हैं तीन बार, तो जब आप गायत्री करें तो गायत्री के बाद आप कुछ श्लोक निश्चय करके उसको बोलिए रोज. ओके, हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच महाराज. नीड योर ब्लेसिंग्स महाराज. यस, ब्लेस यू. May Krishna bless you. Maharaj keh rahe hain ki Krishna aapko aashirwad de. Thank you, Maharaj. And next question from Sumit Rajdan Prabhu. Prabhuji, kindly unmute yourself. Prabhuji, please unmute Sumit Prabhu. Yes. Hare Krishna Prabhu Maharaj, Dandavat Pranam. My question is just like initially you said that while somebody speaker is giving a discourse and you are hearing it and something you know already, so you say, okay, I know it. So how to overcome this kind of a tendency? So Prabhuji ka prashna hai, Maharaj ne class mein bataya tha ki kai baar jab hum shravan karte hain to hume lagta hai, oh, ye cheez to hume pehle hi aata hai. To aisa mere saath bhi hota hai, to main isko kaise isse upar uth sakta hu? Well, you know it, all right. How well do you know it? You know that we have to think how to apply it, what is being explained. Something which we know, it's not just knowing things, but it's actually applying them and practicing them. That's the important point, you see. Yeah, we hear these things, just like we heard, I'm not the body, I know it. But have we realized it? Are we able to live like that? You know, do we apply it? तो महाराज उत्तर में बता रहे हैं कि ठीक है, मानते हैं कि आपको पता होगा, लेकिन आपको कितने अच्छे से पता है.
पता होना, ये जानना कि कोई किसी चीज के बारे में और उसको जो असली में अपने जीवन में अप्लाई करने में काफी अंतर है। महाराज उदाहरण जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि हम शरीर नहीं है, लेकिन इसको हम कितना अप्लाई कर सकते हैं, कितना अप्लाई होता है। We don't just want to know things. We want to practice what we know. We want to use what we know. तो हम केवल चीजों को जानना नहीं चाहते, हम उन चीजों को उनका जो प्रैक्टिकली अपने जीवन में करना चाहते हैं, अपने जीवन में करके अप्लाई करना चाहते हैं। So we hear it again, we're reminded, we should think, am I using this? Am I actually doing this? तो जब हम सुनते हैं तो हमें वो बार बार दोबारा से याद आता है कि क्या मैं कर रहा हूँ, क्या मैं इसको अपने जीवन में कर रहा हूँ असल में। ओके, थैंक यू महाराज, नीड ब्लेसिंग महाराज। हरे कृष्ण महाराज, थैंक यू महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम अमरजीत प्रभु। प्रभु जी काइंडली अनम्यूट। अमरजीत प्रभु प्लीज अनम्यूट। अमरजीत प्रभु कैन यू अनम्यूट। ओके, मे बी डिफिकल्ट फॉर प्रभु जी, लेट्स गो टू नेक्स्ट एंड देन कम बैक टू अमरजीत प्रभु। निशांत प्रभु, would you like to ask Prabhu? Unmute and ask. Nishant Prabhu. Unmute nahi kar pa. Nishant Prabhu, aap unmute nahi kar pa rahe kya? Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj ji, my question is that as you told that chanting is the easiest way in this Kali Yuga to achieve perfection in life. Many times I feel that doing worshipping of deities and book distribution and dancing, I feel that sometimes that these are much more easier than doing chanting. Chanting is looking very painful for me when I do chant. So how can I understand this thing that chanting is the easiest way to achieve perfection in Kali Yuga? इनका निशांत का प्रश्न है कि महाराज आपने कहा कि चैंटिंग जो है वो सबसे सरल तरीका है इस कलयुग में, लेकिन मुझे तो ये बहुत कष्टदायक लगता है। चैंटिंग से ज्यादा आसान भगवान का विग्रह का सेवा करना, डांस करना, किताबें बांटना, ये सब आसान लगता है, चैंटिंग तो बहुत मुश्किल लगता है। Well, I was really glorifying the process of sankirtan, not just the process of just chanting, but it's a sankirtan process which includes chanting and it also includes dancing. So Maharaj keh rahe ki main keval chanting ke process ko ke bare mein nahi bata raha tha, ye main sankirtan ke process ko bata raha tha, jiske andar chanting bhi aata hai, jiske andar dancing bhi aata hai, usi ke andar hi. Yeah, dancing very nice. Prabhupada like to see devotees dance. तो ये नृत्य करना बहुत अच्छा है, ये प्रभुपाद जी इसको बहुत पसंद करते थे जब भक्त नृत्य करते थे। But why do we dance? We dance because it's in the kirtan. We're in the kirtan. We're hearing the holy name and we're also chanting. So it's not just dancing. तो लेकिन हम ये क्यों नृत्य करते हैं? हम ये नृत्य करते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए, क्योंकि हम हरि नाम जो हो रहा है उस कीर्तन के साथ हम लोग जप कर रहे हैं। And when we dance for the pleasure of Krishna. और जब हम नृत्य करते हैं तो भगवान की संतुष्टि के लिए नृत्य करते हैं। We don't just dance to show everyone I'm a great dancer. We want to please Krishna. हम इसलिए नृत्य नहीं करते लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा नृत्य कर सकता हूँ, हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। So chant, they go together, chanting and dancing. We don't just do dancing. We have to do also chanting. तो chanting और dancing ये दोनों एक साथ होता है। हम केवल ऐसा नहीं कि बस नृत्य करते हैं, तो हम जब dance करते हैं तो साथ में जप भी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं।
Of course, because you're dancing, may not be able to chant so much, but at least we should be hearing the holy name. तो महाराज कह रहे कि जब आप नृत्य कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उस समय आप क्योंकि आप नृत्य कर रहे हैं इसलिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा गा ना पाएं, लेकिन कम से कम हमें उस समय भगवान के दिव्य नामों को सुनना जरूर चाहिए. And the mood in dancing is to please Krishna, so there has to be also remembrance of Krishna. और जो पूरा जो नृत्य है उसका जो मूड होना चाहिए वो भगवान को संतुष्ट करना, इसलिए उसमें भगवान का स्मरण भी होना चाहिए. So yeah, sankirtan, the process is sankirtan, Kali Yuga Dharma, Hari Nam Sankirtan, right? The Kali Yuga, the process in the Kali Yuga is not just chanting, but it's Hari Nam Sankirtan. So sankirtan process includes dancing and singing and playing the instruments. तो महाराज बता रहे कि कलयुग का जो विधि है वह है संकीर्तन, उसके अंदर ही डांसिंग, चैंटिंग, जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको बजाना भी है. Okay, so yeah, we encourage you, keep dancing, but remember, want to dance for Krishna. तुम्हारा कह रहे कि मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप नृत्य करिए, लेकिन वो भगवान की संतुष्टि के लिए. Thank you, Maharaj, for your wonderful answer. And please bless me so that I can develop some taste for chanting. You have so much taste in chanting. Like Janani Prabhuji told that at 3:30 a.m. daily, you chant very nicely. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. We go to the next question. Yeah. Amarjit Prabhu is ready. Amarjit Prabhu, please unmute. Hare Krishna, Maharaj. Jidhavan Pranam. महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे जितने भी डेटीज है उनके प्रति हमारा फेथ इंक्रीज नहीं हो रहा है. इवन कि पहले से ज्यादा सेवा करते हैं, फिर भी मुझे लगता है कि पहले ही ज्यादा मेरा फेथ था. अभी मतलब कैसे फेथ बढ़ाए अपने डेटीज के प्रति? सो महाराज, प्रभु जी, क्वेश्चन इज दैट माय फेथ इन द डेटीज इज नॉट इंक्रीजिंग, इवन दो आई एम डूइंग मोर सर्विस देन बिफोर. But I think I had more faith before. So how to increase that faith? Faith in the deities? Yes, Maharaj. Well, you can pray to the deities. तो महाराज कह रहे कि आप श्री विग्रह से, भगवान के श्री विग्रह से प्रार्थना कर सकते हैं. You should come. When I first became a devotee, we had a program. Every week we had to sit in front of the deities. We'd give a report to the deities. We'd tell them what service we were doing, and we would also say maybe what we're planning to do in the next week. Like that, you give a report and you develop a personal relationship with the deities. तो महाराज बहुत सुंदर बता रहे कि महाराज जब शुरुआत में आए थे कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो एक उस समय सिस्टम था कि जो भी हफ्ते में करा था सारा सेवा, क्या क्या सेवा किया, क्या नहीं किया, वो सारा रिपोर्ट भगवान के श्री विग्रह के सामने पढ़ते थे, और फिर ये भी पढ़ते थे कि अगले हफ्ते क्या करना है. So you can pray to the deity, talk to them, give them a report, and also serve the devotees, because by serving the devotees you will also please the deity. तो महाराज कह रहे कि ऐसे जो पढ़ते थे उससे उनका संबंध बनता था डीटी से. तो महाराज कह रहे कि विग्रह से प्रार्थना कीजिए, उनके सामने आप रिपोर्ट पढ़ सकते हैं और आप भक्तों का सेवा कर सकते हैं. जब आप भक्तों का सेवा करते हैं वो भी श्री विग्रह को प्रसन्नता देता है. Sometimes people just serve the deity and they forget about the devotees. They don't respect the devotees. So it's important to also serve the devotees and respect the devotees. And by their blessings, then you have more faith in the deity. तो महाराज बता रहे कि कई बार लोग केवल भगवान के श्री विग्रह का ही पूजा करते हैं और भक्तों का सेवा करना भूल जाते हैं, तो वो सही नहीं है. हमें भक्तों का सेवा करना चाहिए और उनकी कृपा से फिर हमें भगवान का श्री विग्रह का कृपा भी मिलेगा. Okay, yeah. Next question. Thank you, महाराज. Next question is from प्रज्ञा माताजी. माताजी, kindly unmute. Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisances. Maharaj, my question is, as a neophyte,
what should be the correct mood and way to study Srimad Bhagavatam so that I can imbibe every shloka in my life in a true sense? And Maharaj, can we also go back and forth while reading? So, Mataji ka prashna ye hai ki ek naye bhakt ke hote hue hamara jo kaisa mood hona chahiye Srimad Bhagavatam ko padhne ke liye taki uski shikshaon ko apne jeevan mein apply kar paaye aur kya Srimad Bhagavatam padhte hue hum aage aur piche baar baar ja sakte hain. So you study Srimad Bhagavatam by associating with devotees and discussing it with the devotees. तो महाराज बता रहे कि श्रीमद् भागवतम आपको पढ़ना चाहिए भक्तों का संग करते हुए उनके संग में पढ़ना चाहिए. Not just simply reading it yourself, but discussing it and explaining it in the association of devotees. तो महाराज बता रहे केवल यही नहीं उसको पढ़ लें, अच्छा होगा कि भक्तों के संग में उस पर चर्चा किया जाए, उस पर विचार विमर्श आपस में किया जाए, वो ज्यादा अच्छा है. And yes, you can go back and forth. You're reading something and then you go back and read something and you read it later and then come back again, read it later. No, there's no harm in that. Maharaj keh rahe hain, haan bilkul, usko pad sakte hain, peeche jaake dobara pad sakte hain, aap thoda sa aage padha, fir se dobara peeche jaake dekh sakte hain kya tha, to usme koi galti nahi hai, bilkul kar sakte hain. Okay, yes. Yes, Maharaj. Thank you, Maharaj. Then we go to next question by Saryu Mataji. Mataji, kindly unmute. Hare Krishna Prabhuji, Hare Krishna Maharaj, Dhanvat Pranam. Hare Krishna. Maharaj, I had, as you said in the lecture that if we talk on mundane topics, we will be bored and we cannot associate with people long. And if we talk about Krishna, we keep Krishna as center of our talk, then we all can be connected. But Prabhuji, that what we say, like when we deal in, even in our family also, or let it be in our workplace or in our groups also, when we talk about mundane topic, people like to talk, they enjoy it. But when we talk, when we start the talk about Krishna or this bhakti practice, they tend to move out. They tend to divert, they tend to escape. So what should we do? That this is what actually we see. So what should we do in that case? Hare Krishna. So thank you. Mataji ka prashna ye hai ki Maharaj, aapne class mein bataya ki jo hum bhautik jagat ke logon ke bare mein ya vishayon ke bare mein baat karenge to kitna baat kar sakte hain, kya uske bare mein baat karenge, hame Krishna ke bare mein charcha karna chahiye. Lekin hum asliyat mein ye dekhte hain ki jitna hum bhautik jagat ke logon se jab ये घरेलू बातें ज्यादा करते हैं वो उनको अच्छी लगती हैं, लेकिन जब हम कृष्ण के बारे में बात करते हैं तो वो दूर चले जाते हैं हमारे से, तो हमें क्या करना चाहिए? Well, we have to understand they don't have an interest, a very deep interest in Krishna consciousness. It's that simple. They're just not very eager to become Krishna conscious. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वो लोग कृष्ण भावना में उनका कोई खास रुचि नहीं है, वो उनका कोई उत्साह नहीं है कृष्ण भक्त बनने के लिए. But you don't want to compromise. You're not going to change. We're not just going to talk mundane things because then we won't be Krishna conscious. लेकिन हम इसमें compromise नहीं करेंगे. अगर वो ऐसा व्यवहार भी कर रहे हैं तो हम अपने जो हमारा action है उसमें हम compromise नहीं करेंगे, नहीं तो हम कृष्ण conscious. But those who are serious, those who are genuine, they will stay and they want to hear about Krishna. तो जो लोग सीरियस होंगे, जो जो अच्छे जेन्युइन लोग होंगे, वो रुकेंगे, वो कृष्ण के बारे में सुनना चाहेंगे. So don't compromise, don't do it, don't change, just talk more about Krishna, and then those who are serious will come, and those who don't want Krishna consciousness will go. तो आप बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, आप भगवान के बारे में बोलिए, आप कृष्ण के बारे में बोलिए, और जो सीरियस लोग होंगे वो जरूर आएंगे सुनने के लिए, और जो सीरियस नहीं होंगे वो जाएंगे. If they just want to come and chant Hare Krishna and take prasadam, okay, but there are other people who do want to know about Krishna, and you have to create the atmosphere to attract them. तो महाराज कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आप आना चाहते हैं, यहाँ के प्रसाद लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो भगवान के बारे में ध्यान पूर्वक सुनना चाहते हैं, तो हमें इसलिए ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि वो लोग सुन पाए. थैंक यू महाराज. गो टू द
Next question. Ranjit Prabhu, kindly unmute and ask Prabhuji. Ranjit Prabhu? Okay, don't hear me. Ranjit Prabhu, can you unmute? Okay, next, we go to next devotee, Pradeep Prabhu. Pradeep Prabhu, please unmute and ask. Hare Krishna Maharaji, Tanatunam, please accept my humble obeisances. Maharaji, my question is that, my question is that हम तो छोटा मोटा भी सर्विस करते हैं तो बहुत हमको मान का इच्छा हो जाता है हमको वो कैसे कम कर पाए हम और हमारा फॉल्स ही को बहुत जल्दी हर्ट होता है बोझी उसके उस पर कैसे कंट्रोल करें और अपने सीनियर अथॉरिटीज के प्रति हम कैसे सरेंडर लेके आए बोझी मेरा मेन कंसर्न ये है कंसर्न है बोझी महाराज जी प्लीज गाइड मी फॉर दिस तो महाराज इज asking so one is that even if we do a very small or a simple service, we have a desire to get the recognition. How to come out of that, how to come out of the false ego is the second question, and surrender to the senior devotees and authorities is the third question. Okay, to how to give up the desire for recognition. Well, if the desire is to be recognized as a devotee, that's nice. You want to be recognized as a good devotee. That's good. You should want that. You should want to be a good devotee. Of course, we don't want to be glorified, rather, but we do want to try to be good devotees. So Maharaj keh rahe ki hum jaane jaye ये इच्छा है तो ये इच्छा तो ठीक है लेकिन ये देखने कि हमारा गुणगान हो हम एक अच्छे डिवोटी बनना चाहते हैं ऐसा हमारा अगर इच्छा है तो ये बहुत अच्छी बात है but we should think of ourselves as insignificant that whatever service we do is very insignificant compared to others लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि हम बहुत छोटे हैं हमारा जो सेवा है बाकी जो सेवा कर रहे हैं उससे हमारा सेवा बहुत छोटा है ये हमें जानना चाहिए and somebody may give us credit then we will give the credit to guru we say I'm nothing whatever I'm doing it's the mercy of my guru और अगर हमें उसका कोई श्रेय देता है तो वो श्रेय हमें गुरु को देना चाहिए हमें बताना चाहिए कि मैं कुछ नहीं हूँ जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ वो गुरु की कृपा से ही कर रहा हूँ So devotee always will do like that. He will just simply offer everything. Whatever honor or respect is given to him, he offers to his guru. So bhakt aisa hi karte hain ki jo bhi unko aadar samman diya jata hai, wo usko guru arpit karte hain. So false ego, how to get rid of false ego? By developing pure ego. Pure ego is to understand I am the servant of Krishna. तो मैं बता रहे कि false ego से कैसे बचा जाए तो हमें शुद्ध ego develop करना होगा और वो ego क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ. False ego is thinking I am the doer, I am the controller, but the true ego is to understand I am the servant of Krishna, a very tiny servant of Krishna. जो मिथ्या अहंकार है उसका उसका वो ये बताता है कि मैं करता हूँ मैं सब कुछ करने वाला हूँ लेकिन जो असली ईगो है हमारा वो है कि हम भगवान के नित्य दास and how to serve the what's the last question how to serve how to Maharaj how to develop surrender to the senior devotees and authorities yes well by meditating on Lord Chaitanya's instruction Trinada Pisunichena Tarara Pisaishana. Thinking of yourself as lower than a straw in the street. So Maharaj Batare ki kaise apna sharnagati bataya jaye senior bhakto ke prati aur authority mein. To Chaitanya Mahaprabhu ke siksha ke anusar Trinada Pisunichena hame trin se bhi adhik vinamr banne ka prayas karna chahiye. Amanina manadena. Offering all respects to others and not being anxious for any respect by yourself.
और दूसरों को पूर्ण मान देकर और अपने लिए इच्छा ना रखकर इस तरह से हम कर सकते हैं. ओके प्रभु, हरे कृष्णा. थैंक यू महाराज. महाराज नेक्स्ट क्वेश्चन. महाराज कैन वी टेक कपल ऑफ क्वेश्चंस इफ यू, इज इट ओके फॉर यू फॉर टाइम महाराज एटलीस्ट. ओके या. थैंक यू महाराज. रंजीत प्रभु, आर यू एबल टू अनम्यूट नाउ? Yes, Maharaj, thank you for the wonderful class. Maharaj, in your class, you said that we should systematically read Srimad Bhagavatam, and we heard Srila Prabhupada has also said that we should go canto by canto. We should not directly jump to the 10th canto. And Prabhupada criticized the kathakars who directly discuss Ras Leela among the public. But Maharaj, at the same time, we see Prabhupada published Krishna book also. So that is totally 10th canto. And in the introduction of Krishna book, Prabhupada writes that it is especially for three classes of people. One who are liberated, the second is who are trying to be liberated, and the third is materialistic people. For them also the Krishna book would be relishing. So Prabhupada mentions there that for materialistic people who are too much lusty, this transcendental pastime of gopis and Krishna, especially the Rasa Panchadhyaya, that will be very relishing for them because they are too much lusty. And Prabhupada says by hearing and reading those pastimes, they will slowly become purified. So Maharaj, I sometimes see conflict, at the same time we discourage people to directly read 10th canto, and at the same time Prabhupada is encouraging materialistic people to read Krishna book. So how to see this, Maharaj? तो प्रभु जी का प्रश्न है महाराज से कि आपने बताया कि हमें क्रम से श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, ऐसे ऐसे करते करते हमें 10वें स्कंद पे पहुंचना चाहिए जहाँ भगवान की रासलीलाओं के बारे में बताया गया. लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमें कृष्णा बुक पढ़ने के लिए भी उत्साहित किया जाता है, और कृष्णा बुक में ऐसा भी लिखा है कि जो 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 मुक्त आत्मा है, जो मुक्त आत्मा बनने का प्रयास कर रहे हैं, और जो इवन जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं उनको पढ़ना चाहिए. जब वो भौतिकवादी व्यक्ति कृष्ण बुक पढ़ेंगे तो उनका जो काम वासना है, गोपियों के जब लीलाएं पढ़ेंगे तो काम वासना खत्म हो जाएगा. तो ये दोनों बातें थोड़ा एक दूसरे के उल्टा लगता है कि एक तरफ तो बोला जा रहा है कि शुरुआत से पढ़ना चाहिए और दूसरी तरफ हम कृष्ण बुक को एक सीधा पढ़ने लगते हैं. Well, we have to understand that Srila Prabhupada wrote the Krishna book in such a manner that even one has not read the other cantos of Srimad Bhagavatam, he would not get the wrong understanding. So, Maharaj कह रहे कि हमें ये हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण बुक को लिखा है वो इस तरह से लिखा है कि लोग जब उसको पढ़ेंगे तो अगर उन्होंने बाकी स्कंद नहीं भी पढ़े होंगे तो भी उनको गलत निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे वो लोग. So yeah, Prabhupada mentions even materialistic people who are just thinking Krishna mundane, don't understand Krishna's position, they will take pleasure in hearing the pastimes of Krishna. तो महाराज बता रहे हैं कि हाँ, ये प्रभुपाद जी ने लिखा है कि जो मंडेन व्यक्ति हैं, जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो भी जो भगवान के इन दिव्य लीलाओं को पढ़ के आनंदित होंगे. But Prabhupada is saying, you know, they're ordinary people, they don't understand Krishna's position, so they read the Krishna book, they'll just think it's a novel, they'll think it's a story, they won't think, they may not know anything, and so they get some benefit, material pleasure, they enjoy the stories. As Prabhupada said, so many different stories are there in the Krishna book. There's crime stories, there's love stories, there's war stories. So many different pastimes are there, even for the pleasure of a mundane person. But the mundane person doesn't want Krishna consciousness. So he reads the book, he enjoys the book, but he doesn't get Krishna consciousness. So Maharaj bata rahe hain ki jo sadharan vyakti hai, jo bhautikvadi vyakti hai, wo bhi agar ye Krishna book ko padhenge to Krishna book mein padhke wo bhi anand le sakte hain, kyunki wo ek novel ki tarah usko padhte hain, usme kai tarah ki storyan hain, usme prem ki story hai, love crime hai, usme yuddh ke bare mein baat hai. To is tarah se to wo log bhi, halanki wo ek usko keval ek anand lene ke liye usko padhenge, wo Krishna bhavna bhavit nahi hona chahte, lekin fir bhi wo usse anandit ho sakte hain.
He needs to get the association of a devotee. Of course, if he reads a Krishna book, then eventually he may get the association of a devotee. And from the association of the devotee, then he will get some Krishna consciousness. So Maharaj bata rahe ki agar aise koi Krishna book ko padhega, to swabhavik so swabhavata usko bhakton ka sang mil jayega. Aur jo bhakton ke sang mein mil jayega, to fir wo Krishna bhavana bhavit ho sakta hai. So if he read the book, it doesn't matter where he is, what level he's on, what his mood is, but if he read the book and he likes it, and he meets a devotee, then the devotee will help him to get Krishna consciousness. So Maharaj says that if any person is on any level, if he reads the book and if he reads the book and if he reads the book and he feels good, then he will meet bhakto se milega, to bhakto usko madad karenge Krishna bhavana bhavit hone ke liye. So the books help to bring people to Krishna consciousness. So jo kitabe hain wo logo ko Krishna bhavana mein tak lane mein madad karte hain. That's why we put so much emphasis on book distribution. Particularly this next month, December, we will emphasize book distribution around the world, because we know that by giving out these books, then somehow people will get the seed of devotion. And that seed of devotion will be really fructified when they meet the devotees. So Maharaj bata rahe hain, isliye hum log jo hai pustak vitran ki seva par itna zyada bal dete hain, kyunki ye jo book vitran hoga isse logo ke hriday mein wo bhakti ka beej milega, aur jab wo bhakton se milenge to unka jo hai wo bhakti aage badhega. Isliye December mahina jo aa raha hai to pure vishv bhar mein hum log book distribution marathon ke liye taiyari kar rahe hain. And what you say about Rasa Leela is true. You know, somebody is very lusty, they can become purified by hearing about Rasa Leela. Aur aapne jo Rasa Leela ke bare mein bataya wo bilkul theek hai ki agar koi vyakti bahut kaami hai aur Rasa Leela ke bare mein padhega to wo shuddh ho sakta hai. But other people, they may read Rasa Leela and they may want to imitate Krishna. लेकिन दूसरे लोग जो है वो रासलीला को पढ़ सकते हैं और वो भगवान की नकल करने की कोशिश कर सकते हैं. It depends who you hear the rasalila from. If you hear it from pure devotees like Prabhupada, then it's very beneficial. तो महाराज कह रहे हैं कि ये निर्भर करता है कि वो रासलीला हम किससे सुन रहे हैं. अगर हम शिला प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों से सुन रहे हैं रासलीला, तो फिर वो बहुत लाभदायक है. But Prabhupada also warns people, be cautious. Don't just jump to Rasa Leela. Don't just go and read Rasa Leela. Try to understand the basics. Go through the basics and then become properly qualified to understand Rasa Leela. लेकिन शिला प्रभुपाद जी इस पे हमें बड़ा सतर्क करते हैं कि हमें सीधा जो है रासा लीला को पढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए. हमें पहले बेसिक्स पढ़ना चाहिए, शुरुआत से पढ़ना चाहिए. जब हमें अच्छे से हमें समझ आ जाए तब फिर हमें रासलीला की ओर पढ़ना चाहिए. It's not that everybody can just read रासलीला and become pure. ऐसा नहीं है कि सब लोग बस रासलीला पढ़ेंगे और शुद्ध हो जाएंगे. But the idea, if you read the रासलीला and then you know, then you may understand the importance of the purification, that you have to go back to the beginning and start from the beginning and follow the process through to become properly qualified to understand the Rasa Leela. तो महाराज कह रहे कि जब कोई व्यक्ति ऐसे रास लीला पढ़ने का प्रयास करेगा तो उसको फिर फील होगा कि हाँ मुझे जो है अभी उसको जो बेसिक चीज़ उसको समझने की जरूरत है, तो फिर वो वापस शुरुआत से जाएगा, उसको शुरुआत से पढ़ेगा और उसके बाद फिर दोबारा जब रास लीला को पढ़ेगा तब उसके लिए ठीक है. ओके, हरे कृष्ण. Thank you, Maharaj. Maharaj, next question is from Shashank Prabhu. Shashank Prabhu, please unmute and ask. Yes. Hare Krishna, Maharaj. So I have one question up to you. So before leave my body, before die, I want to distribute Bhagavad Gita in all over the world, each and every house, each and every city. So my question is that when I visit, when I went street to distribute Bhagavad Gita, then I take a lot of time to convince them. Rather, so I want to distribute Bhagavad Gita in fast manner. So how could I take less time rather than I take a lot of times? So can you suggest a little bit about this? Prabhuji ka prashn hai ki main is pure vishv mein Bhagavad Gita ko
घर घर में पहुंचाना चाहता हूँ। और लेकिन मैं देखता हूँ कि जब मैं लोगों को भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाता हूँ तो उसमें बहुत टाइम लगता है, काफी समय लग जाता है लोगों को समझाने में। तो महाराज ऐसा कुछ तरीका हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ? So associate with like that devotee, what's his name? Madhu, Madhusundar, right? These people. Of course, Gopal Krishna Maharaj also has some very good techniques. He will approach the top executives and he will get them to buy containers of books. And like that, you can distribute a lot of books. तो महाराज कह रहे हैं कि आप कुछ ऐसे भक्तों का संग कर सकते हैं जैसे कि मधुसुंदर प्रभु हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। और फिर महाराज बता रहे हैं कि जुलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके पास भी कई अच्छा टेक्निक है, वो लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। फिर वो एक पूरा कंटेनर किताबों का लोग ले लेते हैं और फिर आप जल्दी से बांट सकते हैं। जस्ट नाउ वैशेषिक प्रभु इज इज इन इंग्लैंड जस्ट नाउ एंड ही इज डूइंग अ बिग कैंपेन टू प्रमोट द भागवत गीता। And there's a lot of Hindu people there in England, so he's getting them to sponsor Bhagavad Gitas, and they'll be giving them out to people. So when you give them away free, of course, you can give out a lot of books. If you have a lot of money, if you have a lot of sponsors, you can give a lot of books away. Thank you for listening. Maharaj bata rahe ki Vaisashika Prabhu abhi England mein hai aur wo काफी प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता को वितरण करने के लिए, और उन्होंने कई सारे हिंदुओं को वहाँ पे अप्रोच किया है और उनसे कुछ किताबें स्पॉन्सर करा रहे हैं। फिर स्पॉन्सर हो जाता है, किताबें फ्री हो जाता है, तो फ्री किताबों को बांटना भी बहुत आसान है। तो आप बांट सकते हैं। थैंक यू प्रभु, नाइस डिजाइन। यस महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम डॉक्टर प्रिया माता जी। माता जी काइंडली अनम्यूट। हरे कृष्णा महाराज जी, धन्यवाद प्रणाम। प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबीसेंसेस। ऑल ग्लोरीज टू योर डिवोटी श्रीला प्रभुपाद। हरे कृष्णा महाराज जी, माय क्वेश्चन इज लाइक इन द पर्पट वी वर रीडिंग लाइक लॉर्ड बिकम्स हैप्पी व्हेन वी ग्लोरीफाई हिज नेम, एंड दिस टेंडेंसी इज कंपेयर्ड टू द मटेरियल टेंडेंसी ऑफ वी, लाइक वी वॉन्ट टू लिसन अवर नेम एंड वी बिकम हैप्पी while listening to our name. So how to understand this, Maharaj Swami? Mataji ka prashna hai ki आपने परपोर्ट में पढ़ा कि हमने कि भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं अगर उनका कोई गुणगान करता है, और ऐसे ही चेतना लगभग हमारे अंदर है कि हमारा कोई गुणगान करता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो ये ऐसा क्यों, हम इसको कैसे समझ सकते हैं? So the point is that quality is there in Lord Krishna. So because that quality is there in Krishna, it's also in us. But Krishna likes to hear his name chanted by others. And so we have the tendency, we're in the material world, we're perverted, and we're thinking, you know, we're Krishna, we're thinking we're the center of the world. And we take pleasure in people speaking our name. So Maharaj bata rahe ki ye jo टेंडेंसी है ये भगवान के अंदर है, ये भगवान का गुण है कि जब भक्त उनका गुणानुवान करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हम लोग इस भौतिक जगत में, हम हमारा परवर्टेड रियलिटी में है, और हम लोग अपने आप को कृष्ण समझ बैठते हैं, और जब जैसे तो हमें लगता है कि हमारा गुणगान हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। So that this tendency is here in the material world because we are conditioned souls. Of course, in the spiritual world, everybody takes pleasure in hearing about Krishna. तो महाराज बता रहे कि ऐसा चेतना इस भौतिक जगत में इसलिए है क्योंकि हम लोग एक बद्ध अवस्था में, लेकिन आध्यात्मिक जगत में हर कोई भगवान के गुणानुवर्णन करने में व्यस्त है। और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के बारे में सुनने में उनको आनंद मिलता है। We hear about ourselves, then we become more illusioned about our own self. So Maharaj bata rahe ki jab hum apne bare mein sunte hain to aur zyada bhramit ho jate hain hum aur apne bare mein. So the pure devotees, they're very careful to avoid that. They don't want name and fame. They want to avoid it. तो इसलिए जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो बड़े सावधान रहते हैं, वो उनको अपना नाम ये सब नहीं चाहिए कि हमारा बहुत नाम, वो उसको उससे बचते हैं।
In the Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj said, I am lower than a worm in stool. I am more sinful than Jagai and Madhai. Anyone who utters my name, they lose all their pious activities. So, we see that Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Chaitanya Charitamrita is telling us that he is more than कीड़े से भी ज्यादा मल के कीड़े से भी ज्यादा अपने आप को नीचा बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं जगाई मदाई से भी पतित हूं अगर कोई मेरा नाम लेगा तो उसके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे Narottam Das says that he's praying to Lord Chaitanya you've come to deliver the fallen and so he said I'm very fallen my claim is first और श्री Narottam Das ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप जो है पतित जीवों का उद्धार करने आए हैं और मैं सबसे पतित हूं इसलिए मेरा सबसे पहला नंबर होना चाहिए सो यू नो वी शुडंट ट्राई टू इमिटेट कृष्णा तो हमें भगवान की नकल करना नहीं चाहिए ओके यस थैंक यू महाराज महाराज फ्यू मोर Three more questions, Maharaj. Can we? Okay. Thank you, Maharaj, for giving so much time. Sunil Prabhu, please unmute. Sunil Kumar Prabhu. Hare Krishna, Maharaj. Prabhuji, Bangaj Dhanwad Pranam. Please accept my humble obeisance, Maharaj. Maharaj, I have a question. When I became in this Krishna consciousness, Maharaj, I do 5 rounds and I believe that in that times I have more taste in the chanting of the holy names. But now, Maharaj, right now I am doing 16 rounds and I think I have no taste and taste is decreasing day by day. I think this is all about of aprad when I do this. So, Maharaj, how do I develop more and more taste in the chanting? Maharaj, thank you, Maharaj. Prabhuji ka prashn hai ki Maharaj, jab main भक्ति में शुरुआत में आया था तो मैं 5 माला करता था और 5 माला करने में मुझे टेस्ट आता था अभी मैं 16 माला करता हूँ मेरे को कोई टेस्ट नहीं आता और मेरा टेस्ट और कम होता जा रहा है तो ये क्या क्या तो अपराध के कारण है महाराज मुझे क्या करना चाहिए A problem is the mind, you see. Your mind is thinking, oh, I'm not getting any taste. But because you're doing 16 rounds, you must have taste. There is taste there, but your mind doesn't want to admit it. The mind saying, no, I was doing 5 rounds, it was much better. This is the illusion of the mind. So, Maharaj is telling us that your mind is bhramit. Because you are doing 16 malas, that means you are doing 16 malas, you are getting a taste. But our mind wants to be bhramit. No, 5 malas, when I was doing, there was a taste, now it's not coming. That's what our mind says. And when you do 5 rounds, the mind said, actually 1 round is enough. When you do 1 round, you're really getting taste. और जब आप ऐसे 5 माला करने का सोचोगे और करोगे तो फिर मन कहेगा नहीं 1 माला ज्यादा अच्छा है 1 माला में ज्यादा टेस्ट आता है And why do 1 whole mala? Let me just do 1 mantra. और फिर 1 माला ही क्यों? बस 1 मंत्र ही ठीक है 1 मंत्र ही काफी है 1 mantra is the pure holy name. Perfect ecstasy. महाराज कह रहे 1 मंत्र ही भगवान का शुद्ध हरि नाम है तो वो संपूर्ण है So the mind will always try to take us away from Krishna. तो हमारा जो मन है वो हमें हमेशा कृष्ण से दूर ले जाने के लिए प्रयास करेगा. But you have to think. Srila Prabhupada gave the instruction to chant 16 rounds. Now, that was a mercy. His guru Maharaj told everybody to chant 64 rounds, and Lord Chaitanya's time, they were all chanting. At least 64 rounds and often 192, so many rounds. तो महाराज बता रहे कि ये श्रीला प्रभुपाद जी का निर्देश है कि हमें 16 माला का जप करना चाहिए और ये श्रीला प्रभुपाद जी की एक तरह से कृपा है क्योंकि श्रीला प्रभुपाद जी के गुरु महाराज जो है वो पहले 64 माला जप करने के लिए सबको बोलते थे उससे पहले चैतन्य महाप्रभु के समय में भी सब लोग 64 माला करते थे और कई लोग 192 माला और कई माला करते थे 64 rounds means 1 lakh names. But we just chant 16 rounds, it's nothing. तो 64 माला जो है वो 1 लाख नाम है लेकिन हम लोग अगर 16 माला कर रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं है
So chant, the instruction is chant and be happy. Don't think, oh, I know I should chant five rounds. You'll never be happy like that. So Maharaj कह रहे कि श्रील प्रभुपाद जी का निर्देश है कि जप करिए और प्रसन्न रहिए. अगर आप ऐसे हमेशा सोचोगे कि पांच माला करूं मैं खुश नहीं हूं तो फिर कभी खुश नहीं होंगे. You have to control the mind. You should be happy. I'm following Prabhupada's instruction. Prabhupada wanted 16 rounds. तो आपको ये खुश होना चाहिए कि आप प्रभुपाद जी के निर्देश का पालन कर रहे हो. प्रभुपाद जी ने हमें 16 माला जप करने के लिए बोला है. Okay. Yeah. Thank you, Maharaj. And next question, Vikas Prabhu, please unmute. Hare Krishna Maharaj. My question is how to develop faith in Krishna. Whenever we are in the tough situation, then sometimes our faith goes down. How to develop faith that in each and every condition Krishna protects us and Krishna is always our best well-wisher and always our best friend. का क्वेश्चन है कि हम भगवान में कैसे विश्वास अपना बढ़ाएं, क्योंकि जब कठिन परिस्थिति आता है तो कृष्ण में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है. तो कैसा ऐसा हो कि हर स्थिति में हम ये समझ पाए कि कृष्ण हमारे सुहित हैं, हमें हमेशा मदद करने वाले हैं. So we get faith in Krishna by associating with people who have faith. That's important. You have to get good association, people who have strong faith in Krishna. That will be infectious and that will help you to have faith. So Maharaj keh rahe ki Krishna mein vishwas badhane ke liye aise bhakton ka sang karna chahiye jinko Krishna mein bahut faith hai. Agar aise bhakton ka hum sang karenge jinko Krishna mein bahut pragad vishwas hai to fir hamara vishwas bhi badhega unke sang mein. And you also get faith the more you follow the instructions of Srila Prabhupada, the more you do chanting and reading the books, the more you will develop your faith. तो महाराज बता रहे कि हमारा विश्वास इससे भी बढ़ेगा कि हम श्रील प्रभुपाद जी के जो निर्देश हैं उनको कितने अच्छे से उसको हम पालन करते हैं, जप करते हैं, प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ते हैं, तो इससे भी हमारा विश्वास बढ़ेगा. So you associate with the devotees and with the holy name and Prabhupada's books, you will get a lot of faith. महाराज कह रहे हैं कि आप तीन चीजों का संग करने के लिए जो भक्तों का संग, हरि नाम का संग और प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ना. ओके या यस थैंक यू महाराज. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कविता माता जी. Maharaj, please accept my humble obeisances. Maharaj, in my beginning of my life, that I was more engaging in Vaishnava Seva as compared to duty. So it's naturally I'm very attracted towards the Vaishnava Seva, but not in worshipping, but it is important. So how to overcome, Maharaj? Mataji ka prashn hai ki मैं शुरू से ज्यादा वैष्णव सेवा में लगी हूँ और विष्णु विग्रह के सेवा में कोई ज्यादा रुचि नहीं है, तो अभी महाराज को क्या करना चाहिए इसके लिए? Well, Vaishnava seva is very, very powerful, very important. I mean, if you did a lot of Vaishnava seva, then you're very lucky. You must have a lot of spiritual credits to you. तो महाराज कह रहे कि वैष्णव की सेवा बहुत शक्तिशाली है. अगर आपको वैष्णव सेवा करने का मौका मिला है, मतलब आप बड़े सौभाग्यशाली हैं. आपके पास कुछ ना कुछ आध्यात्मिक सुकृति है जिसकी वजह से आप कर पाए. महत् सेवम द्वारा महुर विमुक्ते. By serving the devotees, it opens the doors to liberation. So your doors to liberation are wide open. You just have to go ahead. तो महाराज बता रहे कि भक्तों की सेवा करने से जो मुक्ति का द्वार वो खुलता है, तो आपका जो है ये मुक्ति का द्वार बहुत अच्छे से खुला है, तो आपको बस आगे जाना है. So service to the devotees is the roots of the creepers of devotion. Now you have to keep watering that root by hearing and chanting. तो महाराज बता रहे कि जो भक्तों का सेवा है वो भक्ति लता का जड़ है. अब उस जड़ को आपको श्रवण कीर्तन के माध्यम से
उसको नरिश करना है, उसको सींचना है. Don't neglect your hearing and chanting just to do other things. तो अपना श्रवण कीर्तन को neglect मत कीजिए दूसरे काम करने के लिए. You're not required to sacrifice your spiritual life just to serve everybody else. आपको अपना आध्यात्मिक जीवन को sacrifice करने की जरूरत नहीं है दूसरों को कुछ मदद करने के लिए. Sometimes people, I'm so busy serving the devotees, I have no time to chant my Ram, so I have no time to go to class. That's not good. कई बार हम लोग भक्तों का सेवा करने में इतना busy हैं कि हमारे पास कोई time नहीं है श्रवण कीर्तन के लिए, जप करने के लिए, class जाने के लिए, तो ये अच्छा नहीं है. So you have to balance. You have to balance your spiritual program. Don't just only on one thing, serving the Vaishnavas. You have to also hear and chant. You have to do other things also. तो महाराज कह रहे हैं कि इसमें हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए. ऐसा नहीं कि खावली हम सेवा ही कर रहे हैं तो हमें श्रवण करना है, कीर्तन करना है, सेवा करना है, सब चीजों के बीच में बैलेंस बना के चलना. Understand, Maharaj ji? Yes, Maharaj, for blessing. Please give me blessings so that I can develop taste in chanting. Okay. Yes, may Krishna bless you. Thank you. Thank you, Maharaj. And Maharaj, you take two more devotees. So we see that Maharaj is giving a lot of time. It's getting late for him. But Shivam Prabhu and Rameshwari Mataji, last two. Okay. Hare Krishna, Maharaj. Please accept my condolences. Maharaj, as my question is that I've been performing our many of our prescribed duties. So, as we are doing our book distribution, but sometimes we see that we are not happy for what the seva we are doing, or we are not enthusiastic in the seva. So, does the God is happy from us, or the Srila Prabhupada, or the Shad Goswamis? So, Prabhupada's question is that कई बार जो हमें सेवा दिया जाता है, हमारा ड्यूटीज है, हम उसको करते हैं, हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और अलग अलग सेवा, लेकिन हम देखते हैं कि हम खुश नहीं है अपनी सेवा करके, हम खुश नहीं है, तो हम नहीं है, लेकिन क्या भगवान हमारी सेवा से खुश हैं क्या उस समय, या फिर शिला प्रभुपाद या फिर जो छे गोस्वामी. So, if you're not feeling the pleasure, it means you're not on the transcendental platform. It means your service is mixed with the modes of nature. You're doing devotional service, but you're in the mode of passion, or you may even be in the mode of ignorance, or the mode of goodness. It's, you're not really doing pure devotion. So this is a problem. तो महाराज बता रहे कि अगर आपको सेवा करते हुए संतुष्टि नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप जो है अभी दिव्य प्लेटफॉर्म पे नहीं है, आप या तो रजोगुण या फिर इवन तमोगुण के भी प्रभाव से पीड़ित होते हैं, तो हमारा शुद्ध भक्ति अभी हम नहीं कर रहे, ये मेन ये सबसे बड़ा दिक्कत है. You should feel that this service I'm doing, this is for Krishna. I'm so fortunate that I've been given this opportunity after many lifetimes to perform a service for the pleasure of the Supreme Lord. I am so fortunate. And we should be joyful. If you are not joyful, you are not in Krishna consciousness. So, Maharaj bata rahe ki हमें बड़ा खुश होना चाहिए, बड़ा संतुष्ट होना चाहिए कि ये कितना मेरा सौभाग्य है कि कई कई जन्मों के बाद अब मुझे जो है भगवान का सेवा करने का मौका मिल रहा है. तो इसलिए हमें इससे बहुत संतुष्टि होना चाहिए कि हम भगवान की प्रेममय सेवा में लगे, और अगर हम खुश नहीं हैं तो इसका मतलब हम कृष्ण भावना भावित नहीं है. अंडरस्टैंड? ओके. एंड देन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. यस, रामेश्वरी माता जी, आप प्लीज अनम्यूट करके बोलिए प्लीज. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. महाराज, मेरा क्वेश्चन था कि नारद मुनि तो एक मतलब बचपन से ही आए थे, एक माई थी उनकी, और वो भी भगवान ने उनका धाम में पहुंचा दिया, लेकिन हमारी तो मतलब एज ही हो गई है, बुढ़ापा ही आ गया, और इतनी शाखाएं हैं, तो इसमें से निकल पाना कई बारी घबराहट हो जाती है कि कहीं मैं फिर दोबारा ना इस सर्कल में फंस जाऊं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए प्रभु जी? पर धैर्य नहीं रख पाती हूं कभी कभी. सो महाराज, माता जी आस्किंग लाइक इन केस ऑफ नारद मुनि, ही वाज वेरी फॉर्चुनेट इन द वेरी चाइल्डहुड ही गॉट द एसोसिएशन एंड एवरीथिंग, एंड देन ही कुड परफेक्ट हिज लाइफ.
But I am now very old, and I am worried that I may again be entrapped in these shackles of the attachment, and I may again be remaining here. So I'm losing, I don't have that much, I don't keep that much patience. So what should I do? Well, you have to chant the holy name. You have to chant. Maharaj keh rahe ki aapko bhagwan ka divya naamon ka jap karna hoga. You've wasted so many years of your life without Krishna consciousness. Now by the grace of Krishna, in your old age, you've come to Krishna consciousness. So you have to be very careful not to waste any time. You have to chant constantly. So, Maharaj bata rahe thi, hum apna jeevan ka kaafi sara samay bina Krishna bhavna mein thuye, isko humne waste kar diya hai. To ab ye bahut dhyan rakhna chahiye ki budhape mein jo ye saubhagya se hume Krishna bhavna mein mila hai, ab ek kshan bhi We have examples of people who became Krishna conscious at the end of the life. Narada Muni, he became Krishna conscious. Of course, he was lucky as a young boy, he got good associates. But there are people who became Krishna conscious at the end of life. Ajamil was at the point of death, he became Krishna conscious. तो महाराज बता रहे कि हमारे पास ऐसे उदाहरण हैं कि जो व्यक्ति जीवन के अंत में जाके कृष्ण भावना में होते हैं. नारद मुनि सौभाग्यशाली थे कि बचपन से हुए, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हैं जैसे कि उदाहरण के लिए अजामिल, जो कि बिल्कुल मृत्यु से ठीक पहले जो है वो कृष्ण भावना भावित हुए. So you're very fortunate. You've got the chance. तो महाराज कह रहे हैं कि आप बहुत सौभाग्यशाली हो, आपको ये चांस मिला है कृष्ण भावना भावित होने का. You have to become very very serious. You have to be very eager to do service for, to hear and to chant. महाराज कह रहे हैं कि आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा, बहुत इच्छा होना चाहिए आपका श्रवण करने का और कीर्तन करने का भगवान का. All right. So we bless you. May you always be in Krishna consciousness. तो महाराज आपको कृपा कर रहे हैं. महाराज कह रहे हैं कि आप हमेशा कृष्ण भावना भावित रहें. ऐसा कृपा कर महाराज. महाराज, we had finished, but one more has raised. महाराज, what should we do? Can we? Okay, one more. Last. Okay. इसके बाद devotees और मत पूछेगा. Last question है सखी प्राण को. सखी प्राण को please unmute. हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज. माय क्वेश्चन इज दिस कि वी आर लिसनिंग दैट वैष्णव अपराध इज वेरी डेंजरस, बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंड अनइंटेंशनली ड्यू टू अवर इग्नोरेंस वी डू वैष्णव अपराध एंड ऑल दिस. हाउ कैन वी अवॉइड दिस? आर दिस अन व्हाट वी कैन से कि दिस अपराध इज आल्सो डेंजरस व्हेन इट इज डन अनइंटेंशनली. तो प्रजी का प्रश्न है महाराज से कि महाराज, हम सुनते हैं कि वैष्णव अपराध बड़ा खतरनाक है, लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि अपना अज्ञानता के कारण कई बार बिना चाहे हुए भी कुछ हम वैष्णव अपराध कर बैठते हैं जो हम बिल्कुल करना नहीं चाहते, तो क्या इससे भी नुकसान होगा? Yes, we do unintentional apparat. Therefore, every day we have to offer obeisances to all the Vaishnavas every morning. Because there may be many times we've done offenses, we didn't even know about it, unintentional. So every day we want to offer respects to the Vaishnavas. So Maharaj keh rahe hain ki haan, ye theek hai ki hum bina jaane anjaane mein hum vaishnav aparadh kar baithte hain, isliye aur hame kai baar pata nahi chalta ki din mein hum kitni baar aisa aparadh kar dete hain bina jaane hue, to hame roz subah jo hai vaishnav pranam karna chahiye. Just like after Mangal Arti every morning, we offer obeisances to all the devotees. जैसे कि हर रोज मंगल आरती के बाद हम सभी भक्तों को प्रणाम करते हैं. So this helps us to get rid of offenses we've committed against devotees. तो ये हमें जो है भक्तों के प्रति जो हुए अपराधों से हमें बचाता है. And always try to glorify the devotees. Never criticize them. और हमेशा जो है भक्तों का गुणगान करने का प्रयास करना चाहिए, कभी उनका निंदा नहीं करना चाहिए. There are different kinds of offenses. You know, some offenses are more serious than others.
But if you do something unintentionally, it won't be quite so serious. तो महाराज कह रहे हैं कि कई प्रकार के अपराध हैं जिसमें कई अपराध या दूसरे अपराधों से ज्यादा घातक हैं, लेकिन जो अगर बिना इच्छा के गलती से हमारे से कोई अपराध हुआ तो हो सकता है वो इतना सीरियस ना हो. But you do want to take care to try to guard against offenses, and best way is to glorify, see the good in devotees and serve the devotees. तो महाराज कह रहे कि लेकिन फिर भी हमें सावधान सावधान रहना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है कि भक्तों का गुणगान किया जाए और भक्तों की सेवा किया जाए. Okay, Prabhu. Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Please bless me so that I can avoid this type of offenses and develop the taste in Krishna consciousness. Thank yes. you very much, Maharaj. Krishna and Matir Vastu. May Krishna bless you all. Thank you very much. So we thank Jai Narayan Prabhu for translation. We thank all the devotees for listening. Have a good day in Krishna consciousness. Srila Prabhupada ki. Thank you, Maharaj.